इन टुडेज लेक्चर विल बी डीलिंग विद कुशांस. हम इसके साथ साथ ये भी देखेंगे, विल ऑल्सो बी स्टडिंग अबाउट पार्थियंस एज वेल एज इंडो सेसानियंस. नाउ दीज थ्री कैटेगरी ऑफ पीपल दे विल बी इन्वेडिंग इंडिया, राइट. हमने देखा था कि सेंट्रल एशिया से सीरीज ऑफ इन्वेजन्स होंगी, वेव्स ऑफ इन्वेजन्स होंगी. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ग्रीक्स, राइट. हमने शाकास के बारे में भी पढ़ चुके हैं. शाकास देवर ओरिजिनली नॉन और वेंट बाय द नेम सीरियंस इन सेंट्रल एशिया. इन इंडिया दीज सीरियंस वर नॉन बाय द नेम शाकास, राइट. अब हम पढ़ते हैं कि कुशांस हाउ डिड दे एंटर इन टू इंडिया एंड हाउ डिड दे अटैक और इन्वेडेड इंडिया. हमने ये देखा था कि जो ट्राइब्स थे सेंट्रल एशिया में दे वेंट बाय द नेम यूचीज और तोकैरियंस, राइट. यूचीज और तोकैरियंस दे आर द ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया. नाउ दिस ट्राइब इट वॉज डिवाइडेड इंटू फाइव क्लैंस, राइट. हमने ये भी पढ़ा था ड्यूरिंग आवर इनिशियल लेक्चर्स, what is the difference between ट्राइब एंड द क्लैन, राइट. आई विल एडवाइज यू इफ यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइब एंड अ क्लैन, आई विल एडवाइज यू टू रेफर टू बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स. नाउ यूची ट्राइब था वो डिवाइडेड था पांच क्लैंस में, और उसमें से एक जो क्लैन था वो था क्लैन ऑफ कुशांस, राइट. सो कुशांस वॉज वन ऑफ द फाइव क्लैंस ऑफ यूचीज और तोकैरियंस ट्राइब्स. अब इन्होंने इन्वेड कब किया इंडिया में, हमने देखा था कि क्या कंडीशंस क्रिएट हुई थी सेंट्रल एशिया में. काफी चर्निंग डायनामिज्म और फ्लक्स क्रिएट हो गया था ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, राइट. एंड ड्यू टू दीज फैक्टर्स दीज पीपल विल स्टार्ट माइग्रेटिंग और एमिग्रेटिंग आउट ऑफ सेंट्रल एशिया. And due to these factors, they will be invading into India, right? So what were these factors? तो हमने इसमें देखा था कि two types of factors, हम factors को classify कर सकते हैं two categories में, push और pull factors. Push factors of migration, you could say, are those which will push these people to migrate out of Central Asia, right? These are negative in nature. हमने इसमें पढ़ा था कि one of the push factor was कि वहाँ पे drought like conditions create हो गई थी सेंट्रल एशिया में, राइट. तो जहां ड्रॉट लाइक कंडीशंस क्रिएट हुई तो उनकी पूरी की पूरी जो सेंट्रल एशियन इकोनॉमी थी उस टाइम पे वो जेपर्डाइज कर गई थी, राइट. बिकॉज हमने ये देखा था कि पूरा जो वास्ट सेंट्रल एशियन रीजन है वो क्या है, स्टेपी ग्रासलैंड्स. हम आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स. Now these steppe grasslands are temperate grasslands because they are lying in the temperate regions, right? तो वहाँ की जो grass है soft और nutritious grass होती है, बड़े बड़े घास के मैदान है. तो these kind of geographical conditions they are conducive for rearing of cattle economy. Now since यहाँ की जो पूरा climate है, climatic और weather changes हो रहे थे, drought काफ़ी repetitively आना start हो गया था, ऐसी drought like conditions create हो गई थी Central Asia में, और उसी की वजह से उनकी जो स्टेपिक ग्रासलैंड्स है वो अफेक्ट हुई और उनकी कैटल इकोनॉमी पूरी जेपर्डाइज कर गई थी. एंड दैट इज वाई दे वर फोर्स्ड टू इन्वेड इनटू इंडिया बिकॉज कंडीशंस इन सेंट्रल एशिया वर नॉट सुटेबल फॉर देयर स्टे. पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशंस आपको आज के टाइम पे भी देखने को मिलेंगे, राइट. वाई आर पीपल माइग्रेटिंग आउट ऑफ मिडल ईस्ट एंड सीरिया एंड दीज वेस्ट एशियन कंट्रीज, क्योंकि वहां पे कंफ्लिक्ट है, राइट. पॉवर्टी है, उसके भी काफी सारे फैक्टर्स हैं, बट ड्यू टू कंफ्लिक्ट एंड पॉवर्टी दीज पीपल्स आर माइग्रेटिंग आउट ऑफ दीज मिडल ईस्टर्न और वेस्ट एशियन रीजन्स इन द कंटेम्परेरी टाइम्स, राइट. और इसी की वजह से दे टेक डेंजरस जर्नीज एंड दे टेक माइग्रेशन टुवर्ड्स द यूरोपियन रीजन्स, राइट. ये आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी, इसके साथ डील करोगे. सो दिस वाज वन ऑफ द पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन. सेकेंड, हमने ये भी देखा था कि जो चाइना है, चाइनीज वॉल कंस्ट्रक्ट की गई थी इस टाइम पे, विच इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट. तो वहां पे ये जो वॉल क्रिएट की गई थी, मैमथ वॉल, इसकी वजह से दीज सेंट्रल एशियन ट्राइब्स दे वर नॉट एबल टू पेनिट्रेट इनटू द चाइनीज रीजन्स, राइट. तो वहां के जो रूलर थे शी हुआंगटी, उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट की थी, वी स्टडीड अबाउट इट. एंड दैट इज वाई
they are not able to penetrate into China, and that is why they have deflected towards the West. We studied about it. Since they have deflected towards the West, towards the Caspian Sea, हमने देखा था कि वो Caspian Sea की तरफ deflect कर गए थे, और Caspian Sea पे उस time पे जो tribes exist कर रहे थे, they were Shakas और Scythians. So these Scythians and Euchis और Tocharians, they will come into clash or conflict with each others. Euchis were more powerful, and that is why Shakas were forced to migrate to the southern regions. So they entered into नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान, जिसको बक्तरिया बोलते हैं, राइट, हमने पढ़ा था इसके बारे में. और शाकाज इन टर्न फोर्स्ड द ग्रीक्स हु वर देयर इन अफगानिस्तान टू इन्वेड इनटू इंडिया. तो ये हमारी लिंकेज हमने पढ़ी थी कि सबसे पहले ग्रीक्स आए थे, उसके बाद आएंगे शाकाज, और शाकाज के साथ साथ क्या पैरेलल रूल होगा पार्थियंस का, पी से पार्थियंस, और उसके बाद कुशांस आएंगे और कुशांस को फर्दर डिस्प्लेस करेंगे इंडो ससैनियंस. ये दिस इज द चेन ऑफ माइग्रेशन और वेव ऑफ माइग्रेशन और वेव ऑफ इन्वेजन, राइट. और यहां से रिवर्स इसका कॉजेशन होगा, राइट. कुशांस दे कॉज्ड शाकाज, शाकाज इन टर्न कॉज्ड ग्रीक्स, एंड ग्रीक्स दैट देयर बाय दे वर द फर्स्ट टू इन्वेड इनटू इंडिया, राइट. ये हमने रीजन पढ़ा था इसके बारे में. पुश फैक्टर्स थे, कुछ पुल फैक्टर्स थे. देर वर सम पुल फैक्टर्स, देर वर सम पॉजिटिव फैक्टर्स विच वर अट्रैक्टिंग दीज इन्वेडर्स towards India, right? So there were some kind of magnetic factors, right? India acted as a kind of a magnet. तो वहाँ से कुछ benefit draw कर सकते थे अगर if they came into India, right? One of the reason was कि जो Indian subcontinent है, land of five rivers, Indus plus Ganges, और इसी की वजह से क्या है alluvial plains बनेंगे, और यहाँ पर क्या fertility बहुत ज़्यादा होगी, right? जब हमने पहले पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट द इरेनियन इन्वेजन्स, जब दारियस और उसके बाद ग्रीक इन्वेजन्स, अलेक्जेंडर भी आए थे, राइट. वी जस्ट आफ्टर महाजनपद वी स्टडीड अबाउट दीज इरानियन इन्वेजन्स इन टू इंडिया. और उस टाइम पे जो सत्रपी, जो प्रोविंस था इरानियन किंगडम का, इरानियन एम्पायर का, दारियस का, उसमें जो इंडियन सत्रपी थी वो वन ऑफ द रिचेस्ट सत्रपी थी, क्योंकि यहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल था, तो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू काफ़ी कलेक्ट होता था, और इट इज़ अ प्राइज्ड पोजेशन. और ये आगे भी जाके रहेगा, इवन व्हेन ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया, इंडिया वाज अ रिच कंट्री, अ रिच, नॉट अ मॉडर्न नेशन स्टेट यू कुड से, बट इट वाज अ रिच फर्टाइल रीजन, राइट. और इसी की वजह से दीज इन्वेडर्स दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया. सो दीज फैक्टर एक्टेड एज अ काइंड ऑफ पुल फैक्टर, राइट. द फर्टिलिटी ऑफ इंडिया, रिच फर्टाइल लैंड, इट वॉज प्लस अनदर पुल फैक्टर वॉज इट वॉज वेरी ईजी टू इन्वेड इंडिया, क्योंकि मौर्यन अंपायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कोई बड़ा राज्य नहीं रह गया था, कोई बड़ा किंगडम नहीं रह गया था जिसकी आर्मी बड़ी होगी, राइट, इन्फेंट्री बड़ी होगी, जिसकी कैवलरी फोर्सेस ज़्यादा होंगी, जिसके पास वास्ट रिसोर्सेज होंगे, वास्ट पर्सनल होंगे, सो दैट दे कैन पुश बैक दीज इन्वेडर्स. इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद काफ़ी स्पेशली नॉर्थ वेस्ट रीजन, जहाँ पे ये हिंदू कुश क्रॉस करके नॉर्थ वेस्ट रीजन में आएंगे, तो यहाँ पे छोटे छोटे रिपब्लिक्स, गन संघ थे, रिपब्लिक हमने भी पढ़ा था, रिपब्लिक्स भी थे, और छोटे छोटे किंगडम्स थे. तो दीज किंगडम्स दे वर नॉट केपेबल ऑफ पुशिंग बैक और गिविंग अ टफ रेजिस्टेंस टू दीज इन्वेजन्स, राइट. सो इट वॉज ईजी फॉर दैम टू इन्वेड इन टू इंडिया. सो दीज वर द मेजर पुश एंड पुल फैक्टर्स. नाउ कुशांस इन्होंने इन्वेड कब किया इंडिया में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में, राइट. आपको लिंक करना पड़ेगा कब ग्रीक्स ने इन्वेड किया था, रिफर बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स, इन सेकेंड इनिशियल इन द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड सेंचुरी बी सी, राइट. उसके बाद फर्स्ट ऑलमोस्ट फर्स्ट सेंचुरी बी सी में या लेट सेकेंड सेंचुरी बी सी में शाकाज एंटर्ड इन टू इंडिया और इन्वेडेड इंडिया. एंड देयर आफ्टर इन द फर्स्ट सेंचुरी ए डी आफ्टर शाकाज फाइनली कुशांस विल बी इन्वेडिंग इंडिया इन टू द फर्स्ट सेंचुरी ए डी आफ्टर द ऑनसेट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, राइट. तो दे विल क्रॉस द हिंदू कुश, हमने पढ़ा भी था कि हिंदू कुश है यहाँ पे, खैबर पास है, और जैसे खैबर पास को क्रॉस करेंगे हिंदू कुश रेंज में जो पास है, दे विल बी एंटरिंग इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे विल बी एंटरिंग इनटू द पाकिस्तान रीजन. उस टाइम पे पाकिस्तान कोई नेशन स्टेट नहीं थी, सो इट वाज अ पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, सो एज टू से. और वहाँ पे दे विल बी, वंस दे विल बी क्रॉसिंग द हिंदू कुश, दे विल बी एंटरिंग इनटू दिस गांधार रीजन, राइट, जिसकी हमने देखा था कि कैपिटल सिटी कौन थी, कौन सी थी आज के टाइम पे, उनको उसको पेशावर बोलते हैं, और उस टाइम पे उसको बोला जाता था पुरुषपुरा. वहीं पे हमने देखा था तक्षशिला भी लाई करती थी, राइट, एक मेजर यूनिवर्सिटी थी.
नाउ दे विल बी क्रॉसिंग इनटू द हिंदू कुश और 50 से 78 एडी के बीच में एक मेजर हाउस रूल करेगा, राइट, एक मेजर डायनेस्टी रूल करेगी इन इंडिया और वही एक्सपेंड करेगी द डोमिनियंस और द टेरिटरीज ऑफ यू कुड से कुशांस इनटू इंडिया, राइट। तो दो एक डू आएगा, बाप बेटे का जोड़ी आएगी, राइट, फादर सन डू आएगा, दे विल बी इन्वेडिंग इनटू इंडिया और फ्रॉम 50 टू 78 एडी। 78 एडी का क्या महत्व है हम देखेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ईयर 78 एडी, विल बी लुकिंग टेकिंग अ लुक इनटू दैट एज वेल। तो यहाँ पे क्या है, कदफाइसिस डायनेस्टी आई, कदफाइसिस विल बी द डायनेस्टी, दे विल बी इन्वेडिंग इनटू इंडिया। तो इनिशियली कुजूला कदफाइसिस, राइट, इसको हम बोल सकते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कदफाइसिस वन, पर इनका पूरा नाम था कुजूला कदफाइसिस। नाउ सी दीज फाइव, ये जो पांच क्लैंस थे दे वर फ्रेगमेंटेड, दे वर डिवाइडेड, राइट, दे वर डिफरेंशिएटेड, वो यूनाइटेड नहीं थे। तो अंडर द लीडरशिप कुजूला कदफाइसिस आर गोइंग टू यूनाइट देम, इंटीग्रेट देम, ही विल जनरेट सॉलिडैरिटी इन टू दीज डिफरेंट क्लैंस, दे वर ऑटोनमस और डिवाइडेड क्लैंस, और उनका एक जब वो यूनिटी आ जाए, उनमें एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो विद दिस कलेक्टिव स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ द ग्रेट कुजूला कदफाइसिस, दैट इज कदफाइसिस वन, वन बिकॉज देर विल बी अ सेकेंड हिज सन कदफाइसिस टू, सो अंडर हिज लीडरशिप दे आर गोइंग टू इन्वेड इन टू इंडिया, राइट। तो जब के वन आएंगे, राइट, कुजूला कदफाइसिस आएंगे, so these people they will be crossing the Hindu Kush range Khyber Pass के through, और they हमेशा एक ये चीज आप याद रखिएगा कि ये जो Indus River है, right, ज्यादातर जो invasions होंगी they will be capturing this region up to the west of Indus. Once they will cross the Indus, right, they will be entering into the northwest portion of current India or northern India में एक रास्ता खुल जाएगा उनका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के लिए और पूरा नॉर्थ इंडिया को एक्वायर करने के लिए। सो जनरली क्या है, एक जनरल वे में देखते हैं तो कुजूला कदफाइसिस कदफाइसिस वन के अंदर क्या है, दे वर एबल टू कंकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दैट इज हम ये बोल सकते हैं मॉडर्न पाकिस्तान, राइट। कुछ मॉडर्न पाकिस्तान का जो पोर्शन है वो ईस्ट ऑफ इंडस भी होगा, राइट, लेकिन यहां तक जनरली क्या कदफाइसिस वन वाज एबल टू कंकर दिस मच ऑफ टेरिटरी। अब इनको सक्सीड करेंगे इनके सन वीमा कदफाइसिस, इनको हम बोल सकते हैं कदफाइसिस टू बिकॉज दिस इज रिटन इन एनसीईआरटी एज कदफाइसिस वन एंड कदफाइसिस टू, देयर फुल नेम्स आर नॉट रिटन देयर इन द बुक, बट ये वीमा कदफाइसिस है, राइट। वीमा कदफाइसिस फर्दर इसको ईस्टवर्ड एक्सपेंड करेंगे इसी एम्पायर को, राइट। सो ही विल बी क्रॉसिंग द इंडस रिवर और ही विल बी एक्सपेंडिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, राइट। नाउ दोनों फादर सन डू मेजर उनका टाइम क्या है, एक्सपेंड करने में गुजरा, टेरिटरीज को एनेक्स और एक्वायर करने में गुजरा, अपना रूल सेटअप करने में गुजरा। और 78 एडी में एक मेजर इवेंट होगा और 78 एडी में द ग्रेट किंग कनिष्क, राइट, कनिष्का वो अपना रूल सेटअप करेंगे, राइट। ये डिफरेंट डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और ही विल बी सेटिंग अप हिज रूल और इन दो फादर्स एंड डुओ को विल बी कंबाइंडली रूलिंग फॉर 28 ईयर्स, राइट। 28 ईयर्स पहले K1 रूल करेंगे फिर K2 रूल करेंगे और दोनों का रूल का हम क्यूमुलेटिव देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 50 से 78 AD के बीच में है। नाउ कनिष्क के अंदर इनका जो एक्सपेंशन होगा वो फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होगा, राइट। और ईस्टवर्ड होते होते क्या है, पूरा का पूरा क्या है, यहां से पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया दे विल कैप्चर और पंजाब रीजन, इंडियन पंजाब रीजन, राइट। वंस यू क्रॉस द इंडस तो यहाँ पे कुछ पोर्शन है पाकिस्तानी पंजाब और जब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो इंडियन पंजाब रीजन आएगा, पंजाब रीजन, राजस्थान रीजन, देन दिल्ली और यूपी को कॉन्कर करेंगे एंड दे विल बी सेटिंग अप देयर रूल एज फार एज ईस्ट और वहां पे दे विल अल्टीमेटली भी उनका जो है ईस्टवर्ड और ईस्टर्न जो पेरिफेरी पे उनकी सिटी है दे विल बी रीचिंग ऑलमोस्ट एज फार एज पाटलिपुत्र और द मॉडर्न पटना। तो यहां तक क्या है उनका पूरा रूल सेटअप हो जाएगा। 78 एडी क्यों है, जैसे ही 78 एडी में क्या हुआ कि कनिष्क ही असेंडेड द थ्रोन। नाउ वंस ही असेंडेड द थ्रोन इन 78 एडी यहां से क्या है
इस ईयर के साथ क्या है, एक मेजर ईरा स्टार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं साका ईरा, राइट। हम साका कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सो एक्सेशन टू कनिष्का वाज अ मेजर इवेंट, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, एंड विद हिज एक्सेशन टू द थ्रोन इन 78 AD, दैट इज 78 ईयर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द वर्ल्ड, इन 78 AD ही विल बी असेंडिंग द थ्रोन, और इसी के साथ क्या है, साका ईरा की स्टार्टिंग होती है। कनिष्का वाज अ कुशान, पर इस ईरा को शाका ईरा, साका ईरा ही क्यों बोलते हैं, हम इसको भी पढ़ेंगे, ये टर्मिनोलॉजी ऐसी क्यों है, राइट। वाई नो, वाई नॉट कुशान ईरा बट वाई शाका ईरा, बिकॉज शाकाज दे वर प्रीसीडिंग द कुशांस, और शाका ईरा के साथ क्या होगा, एक कैलेंडर फॉलो होगा, शाका कैलेंडर, राइट। विल बी टेकिंग अ लुक इन टू इट एज वेल। तो हम देखेंगे कि हमने इसके बाद देखा कि रफली वो क्या है, सेंट्रल एशिया से टू द नॉर्थन, अगर ईस्टवर्ड उसकी पेरिफेरी देखेंगे, ईस्टवर्ड प्रोजेक्शन देखेंगे इस एम्पायर का, इट वाज एज फार एज पाटलिपुत्र, राइट, विच वाज द कैपिटल ऑफ द ग्रेट मौर्यन किंगडम्स। तो वो देखेंगे, हम देखेंगे कि दे वर रूलिंग सेंट्रल एशिया, राइट। सेंट्रल एशिया में जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, राइट, जो पांच कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान, ये जो पांच कंट्रीज हैं, दे विल बी रूलिंग ओवर दिस फाइव कंट्रीज। सी उस टाइम पे ये रीजन था, उस टाइम पे ये क्या है, ये मॉडर्न नेशन स्टेट जो नहीं थी, तो आप करंट पर्सपेक्टिव से इसको नहीं समझ सकते हैं, राइट। मैं लिंकेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि फाइव कंट्रीज जो मॉडर्न फाइव कंट्रीज हैं, इसमें इनका रूल था, लेकिन उस टाइम पे एज सच दीज नेशन स्टेट्स दे वर नॉट एग्जिस्टिंग। दीज नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस पर्टिकुलरली आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR इन ड्यूरिंग द लेट 80s, अराउंड 1989 टू 1991, जब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था USSR का, द ग्रेट यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसके बाद दीज मॉडर्न नेशन स्टेट्स दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट, दे बिकम सोवरेन। साथ साथ वो अफगानिस्तान के कुछ पोर्शन में भी रूल करेंगे, राइट, बक्तीरिया हमने देखा था, नॉर्थन अफगानिस्तान, प्लस देर विल बी रूलिंग सम पोर्शन ऑफ ईरान एज वेल, और फर्दर हमें ये तो देख लिया कि पाकिस्तान, ऑलमोस्ट द एंटायर ऑफ एंटायर पाकिस्तान वाज अंडर देयर कंट्रोल, और इंडिया में जो नॉर्थन पोर्शन ऑफ इंडिया था, द स्टेट्स विच आई रिसेंटली मैंशन, राइट, जस्ट नाउ मैंशन, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कुशांस। तो ये जो रीजन है, इसमें यू विल बी कमिंग अक्रॉस वेरियस टर्म्स, राइट, वेरियस रीजन्स और प्रोविंसेस दैट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कुशांस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो है टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है इन रीजन्स का, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू विल बी कमिंग अक्रॉस दीज टर्म्स इन मिडिवल हिस्ट्री एज वेल, इन मिडिवल इंडिया एज वेल। तो एक जो रीजन था जो उनके कंट्रोल और टेरिटोरियल एक्सटेंट के अंडर था, तो हमने तो ये तो देख सकते हैं टोटल 9 कंटेम्पररी 9 कंट्रीज दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कुशांस। तो उनका बड़ा ही वास्ट एम्पायर था, राइट, टेरिटोरियल एक्सटेंट बहुत वास्ट था, बोथ नॉर्थ साउथ एज वेल ईस्ट वेस्ट, उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था वो काफी वास्ट था, ये 9 कंट्रीज उनके अंडर थे, राइट, और वेरियस इसमें टेरिटोरियल और ज्योग्राफिकल फीचर्स, फिजिकल ज्योग्राफी के काफी फीचर्स क्या है इसमें देखने को मिलेंगे आपको, काफी रिवर्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलेंगे, स्पेशली हिंदू कुश। सो ऑल ऑफ दिस रीजन, इसी रीजन में वास्ट नंबर ऑफ पीपल वर देयर, वास्ट इथनीसिटीज वर देयर, राइट, different cultures, so all these were welded into a one political entity, और वो क्या है, that become a part of the Kushan Empire. तो एक region जो था Khorasan was under their control. ये Khorasan क्या है, see, जो Khorasan जो region है ये क्या है आपका, ईरान, see ईरान लगा हुआ है अफगानिस्तान के साथ, right? तो जो north eastern portion है ईरान का, north eastern portion of Iran और north और north west अफगानिस्तान, this is Khorasan, right? So, I'll be uploading an image as well, जो इन various reasons को map पे क्या है plot करेगा, so you take a look into that image as well. तो north east portion of Iran, right, this portion of Iran and plus this north northwest Afghanistan, और यहाँ पे आप देखोगे northern, तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान लाई करता है, right, तो कुछ portion of तुर्कमेनिस्तान, right, southern तुर्कमेनिस्तान, दिस वॉज नथिंग बट द Khorasan प्रोविंस, तो वो उनके अंडर था, Khorasan भी उनके अंडर था, और Khorasan रीजन कहाँ लाई करता है, Khorasan रीजन कहाँ लाई करता है, सी आप जब RLC के बारे में पढ़ोगे, RLC,
ज्योग्राफी आई विल एडवाइज यू टू टेक अ लुक इन टू मैप एज वेल राइट. RLC को आप सर्च कीजिए और दिस इज RLC राइट. यहाँ पे आया लगभग ये कजाकिस्तान है, दिस इज द कजाकिस्तान. यहाँ पे कुछ उज्बेकिस्तान का काफ़ी पोर्शन होगा, दिस इज तुर्कमेनिस्तान. आई विल एडवाइज यू टू टेक अ लुक इन टू RLC, उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज है राइट. तो RLC को क्या साउथ से एक रिवर मीट करती है और ये जो रिवर है दिस इज अमू दरिया रिवर राइट. ये ऐसे करके फ्लो करती है राइट. तो अमू दरिया जो रिवर है इसको रिवर ऑक्सस भी बोलते हैं राइट. सो साउथ ऑफ द RLC जो वाला रीजन है दैट इज खोरेज्म रीजन राइट. हेयर अमू दरिया मीट्स द RLC फ्रॉम द साउथ. तो अमू दरिया इज गोइंग टू मीट RLC फ्रॉम द साउथ. इसको रिवर ऑक्सस भी बोलते हैं. और ये क्या है, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को क्या है, दिस रिवर इज गोइंग टू bifurcate into almost two equal halves, राइट. सो दिस पोर्शन इज नथिंग बट दिस इज द खोरेज्म रीजन. सो दिस वॉज अंडर देयर कंट्रोल एज वेल. तो अगर आप इसको देखोगे सो दिस इज रफली ये जो पोर्शन है, ये जो कुछ पोर्शन है दिस इज उज्बेकिस्तान रीजन. तो कुछ पोर्शन उज्बेकिस्तान का प्लस दिस इज तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पे भी कुछ पोर्शन तुर्कमेनिस्तान है. सो दिस इज तुर्कमेनिस्तान एज वेल एज नॉर्थन तुर्कमेनिस्तान एज वेल एज उज्बेकिस्तान ठीक है. वो खोरेज्म रीजन का ये जो पोर्शन है वो खोरेज्म को कॉन्स्टिट्यूट करता है राइट. सो दिस रिवर इज गोइंग टू क्रॉस द खोरेज्म रीजन इन द मिडल एंड डिवाइडेड इनटू टू ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स राइट. तो नाउ दिस ये क्या है, एम्प्टी होती है RLC में अमुदरिया राइट रिवर ऑक्सस. तो इनका जो ये जो लोअर बेसिन जो बनता है, सी जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है तो इनिशियल जो उसका जो एक्सटेंट टेरिटोरियल एक्सटेंट वो कवर करते हैं दैट इज इट्स हायर रीचेज राइट और हायर बेसिन. फिर उसका मिडल बेसिन आता है राइट right? फिर उसका लोअर बेसिन आता है. जस्ट लाइक गंगा, गंगा का भी सेम यही है. व्हेन इट राइजेज इन उत्तराखंड राइट right? तो जो ये इनिशियल उसका जो माउंटेनियस रीजन को जब कवर करती है उत्तराखंड दैट इज इट्स हायर रीचेज और हायर बेसिन. जब वो एंटर करती है शिवालिक्स के थ्रू प्लेन्स में जब एंटर करती है गंगा राइट, यूपी का जो रीजन है दैट इज मेनली मिडल गैंगेटिक बेसिन, मिडल रीचेस और मिडल बेसिन ऑफ गंगा राइट गंगा. देन इट्स लोअर बेसिन इज इन ईस्टर्न वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश और फाइनली इट मर्जेज विद द बे ऑफ बंगाल राइट. सो दैट इज इट्स लोअर बेसिन. तो ये जो लोअर बेसिन है जहां पे अल्टीमेटली एम्प्टी आउट कर रही है अपने आप को राइट, जहां पे इसका माउथ है वहां पे दिस पोर्शन इज खोरेज्म. तो ये खोरेज्म भी उनके अंडर था राइट. एक इंपॉर्टेंट रीजन जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया था पिछली क्लास में भी दैट वाज बक्टीरिया इन अफगानिस्तान, वो भी उनके अंडर था राइट. बक्टीरिया इज नॉर्थन पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान राइट. अगर आप अमू दरिया को देखोगे यहां पे लगभग यहां पे आप देखोगे जब ऑलमोस्ट इसका ईस्ट वेस्ट जो है ओरिएंटेशन होता है यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉर्थन अफगानिस्तान और इसको क्रॉस करोगे आप अमू दरिया को क्रॉस करोगे यू विल बी एंटरिंग इनटू नॉर्थन अफगानिस्तान एंड दिस पोर्शन इज बक्टीरिया राइट. बक्टीरिया एंशंट बक्टीरिया मेनली साउथ ऑफ अमू दरिया रिवर ऑक्सिस यू विल बी एंटरिंग इनटू बक्टीरिया रीजन. और अगर हम नेशन स्टेट्स मॉडर्न नेशन स्टेट्स की बात करें जो बक्टीरिया रीजन को कॉन्स्टिट्यूट करती है, नॉर्थन अफगानिस्तान इज वन ठीक है. प्लस ये जो रिवर यहाँ से फ्लो करेगी तो कुछ पोर्शन यहाँ पे राइट. तो ये जब रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पे सो दिस इज तुर्कमेनिस्तान, दिस इज यहाँ पे कुछ पोर्शन बीच में उज्बेकिस्तान आएगा, कुछ ताजिकिस्तान आएगा. तो तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान का भी कुछ पोर्शन क्या होगा, सदर्न तुर्कमेनिस्तान, ये कुछ फ्रिंज एरियाज भी इसके अंडर आएंगे राइट, बक्टीरिया रीजन के अंडर आएंगे. और एक जो अनदर इंपॉर्टेंट रीजन है और अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स और रीजन्स जो आपको यू विल बी कमिंग अक्रॉस, यू शुड बी अवेयर ऑफ देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट. एक था ट्रांस ऑक्सियाना रीजन राइट. नाउ दिस रीजन इज यहाँ से ये अमू दरिया क्या है ऑलमोस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी और ऐसी ही एक रिवर है जो यहाँ से नॉर्थ से राइट नॉर्थ से मिलती है आपकी RLC में. और ये जो रिवर ये यहाँ से जो आती है और नॉर्थ से मिलती है इसको बोलते हैं हम सिर दरिया रिवर राइट. दरिया क्या है, इट इज़ अ रिवर और इसको हम क्या बोलते हैं रिवर, दिस इज नोन एज रिवर जजारतस एज वेल जगारतस. तो अमू दरिया और सिर दरिया ऑक्सस और जगारतस के बीच में राइट, दिस इज एंड दिस पोर्शन राइट. तो ये जो कुछ पोर्शन होगा दिस बिटवीन लाइंग बिटवीन ईस्ट में आपका अमू दरिया
सॉरी वेस्ट में आपका आपका हो गया आमू दरिया और ईस्ट में जो हो गया आपका सिर दरिया, इसके बीच में जो रीजन है रफली ये बोलते हैं इसको ट्रांस ऑक्सियाना रीजन, राइट। और आप देखोगे यहाँ पे हमने देखा भी था जब खोरेज्म आया था तो यहाँ पे ये खोरेज्म के जस्ट ईस्ट में दिस इज ट्रांस ऑक्सियाना। तो खोरेज्म का हमने देखा था कि कुछ पोर्शन जो लाई करता है वो लाई करता है आपका उज्बेकिस्तान में, राइट। तो मेजरली क्या है, ज्यादातर ये जो ट्रांस ऑक्सियाना है 90% और 95% ऑफ ट्रांस ऑक्सियानिज्म उज्बेकिस्तान, राइट। दिस इज उज्बेकिस्तान बिटवीन दिस टू रिवर्स। तो कुछ इसमें तुर्कमेनिस्तान भी आएगा, तुर्कमेनिस्तान का भी कुछ पोर्शन आएगा, राइट। और यहाँ से ये जब ये रिवर यहाँ से आ रही है और नॉर्थ से एंटर कर रही है, दिस इज कजाकिस्तान, तो कुछ पोर्शन कजाकिस्तान का भी आएगा इसमें, ठीक है। और जब यहाँ से आएगी तो सम पोर्शन ऑफ ताजिकिस्तान इज ऑल्सो देयर, यहाँ पे ताजिकिस्तान, राइट। सो ऑल दिस पोर्शन दे आर पार्ट ऑफ ट्रांस ऑक्सियाना रीजन्स। तो ये जितने रीजन से देवर पार्ट ऑफ कुशान स्पेशली इन सेंट्रल एशिया, राइट। और दीज वर द 9 कंट्रीज दैट वॉज अंडर द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द कुशान एम्पायर। अब हम कंटिन्यू करते हैं कुशांस के बारे में, स्पेशली अब हम देखते हैं कि कनिष्का का रूल कैसा था, राइट। हमने ये देखा कि जो कुशांस था, कुशांस थे, उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था वो काफ़ी वास्ट था। और ये जो एम्पायर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है इसमें डिफरेंट डिफरेंट इथनिसिटी के लोग आपको मिलेंगे। सम विल बी फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सम विल बी फ्रॉम पाकिस्तान रीजन, सम फ्रॉम नॉर्थन पोर्शन ऑफ इंडिया, सम फ्रॉम ईरान एज वेल, राइट। और सेंट्रल एशिया में भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स। सो एक ये जो वास्ट पॉलिटिकल एंटिटी बनी है, राइट, एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी, एक सिंगल पॉलिटिकल रूल के अंडर क्या है, पीपल ऑफ वेरियस डाइवर्सिटीज, ऑफ वेरियस इथनिसिटीज, ऑफ वेरियस कल्चर्स, ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, ऑफ वेरियस रिलीजन्स, राइट, दे विल बी को एग्जिस्टिंग अंडर दिस सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी। तो ये जो एम्पायर बनेगा कुशांस के अंडर, ये क्या एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी देगा, राइट, फॉर पीपल टू इनिशिएट एक्सचेंज, राइट। और इससे एक एक्सचेंज इंटरेक्शन जनरेट होगा लोगों के बीच में ऑफ दिस डिफरेंट डाइवर्सिटीज, राइट। और इससे एक तो होगा सोशल और कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन पीपल ऑफ वेरियस एथनिसिटीज, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, राइट। तो इनका आपस में फ्यूजन कमिंगलिंग होगा और डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स आपको कुशान पीरियड के दौरान आपको राइज आपको देखने को मिलेगा उनका। और पोस्ट मॉरियन कल्चर, पोस्ट मॉरियन आर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स आपकी यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट राइज होगा आपका नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ पाकिस्तान में, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट राइज करेगा इन मथुरा, राइट। सिमिलरली ये जो अपॉर्चुनिटी है खाली कल्चरल रियाल्म और कल्चरल डोमेन में नहीं देखने को मिलेगी, राइट, उसके साथ साथ क्या है, डिफरेंट आर्टिजन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स दे आर ब्रॉट अंडर वन सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी। तो इनके बीच में आपको इकोनॉमिक एक्सचेंज और ट्रेड भी देखने को मिलेगा विच विल बी सेट अप, राइट। सो पीपल हैविंग डिफरेंट स्किल्स पोजेस प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स दे विल बी अवेलेबल फॉर एक्सचेंज इन डिफरेंट पोर्शन ऑफ दिस वास्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट, राइट। तो ये कड़ी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट फीचर का राइज होगा कुशांस के टेरिटोरियल एक्सटेंट की वजह से। हमने देखा कि कनिष्का हु रोज टू द थ्रोन इन 78 AD, राइट। नाउ दिस पीरियड 78 AD इज नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड, राइट, NCERT मेंशन है 78 AD, लेकिन डिफरेंट सोर्सेज, राइट, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कभी सर्टेन नहीं रहती, राइट, हिस्ट्री इज अ रिप्रोडक्शन, राइट, वो कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेशन है हिस्ट्री में भी, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट चीज़ें मेंशन की गई हैं, डिफरेंट सोर्सेज, इवन कनिष्का के भी राइज के डिफरेंट वो पीरियड बताते हैं, राइट, ग्रीक सोर्सेज अलग पीरियड्स बताते हैं और इंडियन सोर्सेज कुछ अलग पीरियड बताते हैं, लेकिन जनरली एक इंडियन डोमेन में, एक इंडियन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं स्पेशली NCERT में दिया गया कि 78 AD में उनका क्या है, ही विल बी असेंडिंग टू द थ्रोन। लेकिन AL भशम में मैंशन है कि डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट टाइम पीरियड मैंशन है ऑफ असेशन, राइट, और उसमें 78 से 144 AD के बीच में कभी भी राइज है। और सिमिलरली कुछ ग्रीक सोर्सेज ये भी बोलते हैं कि 1st century BC में ही आपका जो कनिष्क है ही रोज टू द थ्रोन, राइट। सो देर इज नो
एग्रीमेंट बिटवीन हिस्टोरियंस, राइट। तो ये काफी एक आपको देखने को मिलेगा कि अगर आंसर क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली यू विल बी रेफरिंग टू द ईयर 78 AD, लेकिन एक जनरल और एक डिटेल्ड कंटेक्स्ट में इसे देखे, राइट, एक डीप इसकी अंडरस्टैंडिंग में देखे, तो यू वॉन्ट बी एबल टू कम टू अ वेरी सर्टेन कंक्लूजन दैट ही रोज टू द थ्रोन इन 78 AD ओनली, राइट। नाउ कनिष्का को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? बिकॉज ही इमर्ज्ड एज अ मेजर पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म, राइट। उन्होंने बुद्धिज्म को काफी पैट्रोनाइज किया, इनके अंडर हम देखेंगे स्पेशली नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, राइट, जहां पे इनकी कैपिटल सिटी थी, जो कुशान अंपायर है उसकी दो कैपिटल थी, और उसकी जो कैपिटल सिटी थी एक थी आपकी पेशावर, राइट, पेशावर नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। तो पेशावर को इनकी मेजर सिटी थी, मेजर कैपिटल सिटी थी, यहां पे आपके राजा बैठते थे, वहां से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस चलता था। जैसे इंडिया की जो कैपिटल सिटी है दिल्ली, वहां से गवर्नेंस चलता, राइट। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूट्स द हार्ट ऑफ इंडिया, राइट। वहां पे क्या है, एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो ऐसे ही पेशावर एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, राइट। एक तो ये सेंटर में था अंपायर के, कहीं ना कहीं हमने देखा कि ईस्ट में जाते जाते आपका पाटलिपुत्र तक था अंपायर, और प्लस सेंट्रल एशिया भी इनके अंडर था, तो कहीं ना कहीं ये सेंटर में आ जाता था, एक हार्ट में आ जाता था इनके अंपायर के, राइट। इट कंस्टिट्यूटेड द कोर ऑफ द अंपायर। तो इसी वजह से पेशावर को उन्होंने ही चोज एज हिज सिटी फ्रॉम वेयर ही विल बी गवर्निंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटायर कुशान अंपायर, राइट। प्लस पेशावर में बैठे हैं तो खैबर पास और जो ये ईस्टर्न फ्रंटियर उसको भी ये ब्लॉक कर सकते हैं और इन्वेजन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी राजा का यहाँ पे बैठना बहुत जरूरी था। सेकंड कैपिटल सिटी अब वास्ट एक्सटेंट था, तो थोड़ा सा ईस्ट नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया आप ये सोच सकते हो कि ये जो अंपायर है उसका ईस्टर्न एक्सटेंट है, राइट, बिकॉज हम सेंट्रल एशिया तक गया है इनका। तो जो नॉर्थ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द ईस्टर्न एक्सटेंट ऑफ मौर्य ऑफ कुशान अंपायर, राइट। तो वहां पे भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होना जरूरी था, तो इनकी जो सेकंड कैपिटल थी फ्रॉम वेयर दे आर गवर्निंग दैट वाज द मथुरा, राइट। नाउ इन्होंने पैट्रोनाइज किया बुद्धिज्म को, और इनकी पैट्रोनाइजेशन के अंडर हमें एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपकी बुद्धिज्म को, बिकॉज हिज अंपायर वॉज एक्सटेंडिंग एज फार एज टू सेंट्रल एशिया, राइट। तो और एक पॉलिटिकल एंटिटी थी, सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी में वेल्डेड थे पूरी की पूरी डिफरेंट टेरिटरीज, सो इट बिकेम अ वेरी क्रूशियल पॉइंट इन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ बुद्धिज्म, जहां पे कनिष्क उनको एक इंपॉर्टेंट पैट्रोन मिला, और उनकी पैट्रोनोज के अंदर इट बुद्धिज्म गॉट स्प्रेड टू दिस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एम्पायर, राइट। नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में हम देखेंगे पेशावर में ही यहीं पे आपका गांधारा आर्ट का इमर्जेंस होगा, राइट, हेलेनिस्टिक आर्ट का इमर्जेंस होगा, इसके बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, राइट, बुद्धिस्ट आर्ट। और ऐसे ही अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान बख्तीरिया कपीसा हम देखेंगे, कपीसा के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा तो यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंट कल्चरल आर्टिफैक्ट्स रिकवर किए उन्होंने, राइट। तो यहाँ पे भी कल्चर का, और स्पेशली दीज आइटम्स ऑफ कल्चर दे वर रिलेटेड टू द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म, राइट। एक इंपॉर्टेंट जो स्टैचू था जो तालिबान ने डिस्ट्रॉय किया था अफगानिस्तान में वाज बामियान स्टैचू, राइट, बुद्धा का एक स्टैचू था जो तालिबान ने इन द अर्ली 2000s वहां पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, राइट, बिकॉज आइडोलेट्री इज एंटीथेटिकल, राइट, ये स्टैचू था और आइडोलेट्री इज एंटीथेटिकल टू द तालिबानी कंसेप्शन ऑफ इस्लाम, सो एज टू से, राइट। ऐसे ही सेंट्रल एशिया में भी ये क्या है बुद्धिज्म को फैलने का यहाँ पे बड़ा बहुत अच्छा मौका मिला, एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिली अंडर कनिष्क। और सिंस आप ये देखेंगे कि जो सेंट्रल एशिया वो लगा हुआ है चाइना के साथ, ये जो बॉर्डर है आपका कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान ये चाइना के साथ सटा हुआ है, और यहाँ पे क्या है सेंट्रल एशिया और चाइना के ही आपस में कॉन्टैक्ट थे, राइट, कुशांस के कांटेक्ट थे हान डायनेस्टी ऑफ चाइना के साथ। तो यहां से ही नॉलेज जो बुद्धिज्म की थी, जो फर्स्ट इंटीमेशन मिला था चाइनीज को, राइट,
कि बुद्धिज्म इज अ रिलीजन, राइट? तो इंटीमेशन, एक अवेयरनेस बनी थी कि सच एंड सच काइंड ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट इन सच एंड सच पोर्शंस ऑफ कुशान एम्पायर, राइट? तो फर्स्ट टाइम इस कॉन्टैक्ट की वजह से ही चाइनीज में चाइनीज को और चाइना को इंटीमेशन मिली थी, राइट? लेकिन इसका कुछ मेजर इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा कि ये एक मेजर रीजन नहीं होगा जिसकी वजह से बुद्धिज्म स्प्रेड होगा चाइना में, राइट? तिब्बतन बुद्धिज्म से, लेकिन एक अवेयरनेस और इंटीमेशन मिली थी सच एंड सच रिलीजन एग्जिस्ट इन सच एंड सच टेरिटरीज ऑफ कुशान एम्पायर, राइट? नाउ ये कॉन्टैक्ट कहां से पता चलता है कि क्यों कैसे पता चलता है कि कुशांस के कॉन्टैक्ट थे हान डायनेस्टी में? क्योंकि सी जो चाइनीज हिस्ट्री है, जो चाइनीज रिकॉर्ड्स है, जो चाइनीज एनल्स ऑफ हिस्ट्री है, उसमें एक इंपॉर्टेंट एनेक्डोट है, राइट? और ये जो हिस्ट्री है लिखी गई है फ्रॉम चाइनाज पॉइंट ऑफ व्यू, चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू, उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, और उसमें एक एनेक्डोट और एक इस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन है जिसमें बोला गया है कि वन ऑफ द कुशान किंग्स, उन्होंने क्या है, जो हान डायनेस्टी की जो प्रिंसेस थी उनका हाथ मैरिज में मांगा था, राइट? ही वॉन्टेड टू मैरी दैट प्रिंसेस एज पर द चाइनीज कंसेप्शन और वर्जन ऑफ हिस्ट्री, और वो हान डायनेस्टी के रूलर्स इस किंग को कहीं ना कहीं एरोगेंट समझते थे, सो दे गॉट इन टू कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। और यहाँ भी चाइनीज जो हिस्ट्री उसमें लिखा गया है कि उनके जो ग्रेट मिलिट्री जनरल थे पेन चाओ इनके जो ग्रेट मिलिट्री जनरल थे, ही डिफीटेड दिस एरोगेंट कुशान किंग। नाउ ये कुशान किंग कौन थे, इनका नाम मैंशन नहीं है, राइट? बट हिस्टोरियंस ये स्पेकुलेट करते हैं आइदर ही वॉज वन ऑफ द कदफाइसिस, आइदर कुजूला कदफाइसिस और वीमा कदफाइसिस, और ही माइट बी कनिष्क एज वेल, राइट? तो इनमें से कोई भी हो सकता है, टाइम पीरियड एज सच कुछ क्लैरिटी नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि कुशांस, एक स्टेटमेंट आई विल बी मेंशनिंग अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कुशांस दे वर द फर्स्ट रूलर्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया ऑन अ लार्ज स्केल, राइट? ऑन अ लार्ज स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये स्टेटमेंट आती है आपके एग्जाम में, यू शुड बी मार्किंग इट करेक्ट। नाउ अगर मैं आपसे पूछता हूँ और ये बोलता हूँ कुशांस दे वर द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, तो हमने देखा था ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, लेकिन एक लार्ज स्केल पे और क्वांटम जो नंबर ह्यूज नंबर्स में क्या है, दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, राइट? तो ये जो गोल्ड कॉइन्स के लिए गोल्ड आ कहाँ रहा है, राइट? इसके लिए सोर्सिंग कहाँ से इनको गोल्ड मिल रहा है? सी गोल्ड कॉइन्स, अगर एक पर्टिकुलर किंगडम गोल्ड कॉइन्स इशू कर रहा है, तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि कॉइन्स आर अ करेंसी, दे आर ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट? नाउ गोल्ड कॉइन्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो काफ़ी हाई होती है, तो इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ये जो गोल्ड कॉइन्स है जो लार्ज नंबर्स में इशू हो रहे हैं, दिस कुड ओनली बी इन्वॉल्व्ड इन हाई वैल्यू, राइट? हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में इनको यूज किया जा सकता है, ओनली बाय इलीट क्लास कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन के लिए इनको यूज किया जा सकता है, बिकॉज गोल्ड की वैल्यू इंट्रिंसिकली काफी हाई होगी, तो कॉमन पीपल उसको यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? और एक हम ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि ये भी मैंशनड है कि ये जो मेटेलिक प्योरिटी थी, राइट, गोल्ड इसमें प्योर फॉर्म में था, अडल्ट्रेशन और इंटरमिक्सिंग दूसरे मेटल्स के साथ कम थी, राइट? तो इसकी जो मेटेलिक प्योरिटी थी वो इवन ग्रेटर थी जब गुप्त, हम देखेंगे लेटर 4th-5th centuries AD में आपके गुप्ता अपना रूल सेटअप करेंगे और उनको गोल्डन एज ऑफ गुप्ताज भी बोली जाती है। तो जो गुप्ताज के अंडर जो गोल्ड कॉइन्स इशू हुए हैं उससे भी ज़्यादा मेटेलिक प्योरिटी थी, उससे कहीं ज़्यादा मेटेलिक प्योरिटी कुशान गोल्ड कॉइन्स में पाई गई है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या है इन डिफरेंट कॉइन्स को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सकवेट किया और इनको कंपेयर किया, देन दे केम टू दिस कंक्लूजन, राइट? तो ये सोर्स कहाँ से होता था? सी ये इसके दो सोर्सेस थे, एक तो था अल्टाई माउंटेन्स। सेंट्रल एशिया में आप देखेंगे बिल्कुल कजाकिस्तान की पेरिफेरी में यहाँ पे अल्टाई माउंटेन्स मिलेंगे, सी राइट, दिस इज चाइना, यहाँ पे चाइना मिलेगा, दिस इज रशिया, दिस इज कजाकिस्तान एंड दिस इज मंगोलिया। तो ये जो चारों की आपस में यहाँ पे क्या टेरिटरीज क्या है, क्या कह सकते हैं,
कोलाइड करती हैं, मर्ज करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो ये जो रीजन है यहाँ पे आपका अल्टाई माउंटेंस है, और अल्टाई माउंटेंस क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ गोल्ड है, वहाँ पे गोल्ड हाई अमाउंट में पाया जाता है, तो वहाँ से माइनिंग होती है इवन इन द कंटेम्परेरी टाइम्स, राइट, दे आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड। सो नाउ दीज सेंटर, सिंस उनका जो अम्पायर था वो सेंट्रल एशिया में भी था, सो दे हैड एक्सेस टू द गोल्ड ऑफ द अल्टाई माउंटेंस, तो वहाँ से दे यूज टू माइन, और यहाँ से भी उन्होंने क्या है गोल्ड कॉइन्स इशू किए। सेकंड गोल्ड उनके पास कहाँ से आएगा, सेकंड जो गोल्ड आएगा उनका वो आएगा रोमन एम्पायर से। सी कुशांस क्या थे, वो सिल्क रूट को कंट्रोल किए हुए बैठे थे, राइट। सिल्क रूट क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे इस टाइम के दौरान फर्स्ट इनिशियल फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेंचुरी एडी, राइट, टू टू थ्री सेंचुरीज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ क्रिश्चियनिटी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रोमन अम्पायर के साथ, राइट, ट्रेड लिंकेजेस बढ़ेंगी इंडिया के साथ, और ये जो ट्रेड लिंकेजेस होंगी ये बहुत नॉर्थ इंडिया की भी बढ़ेगी और साउथ इंडिया की बढ़ेगी। डिफरेंस क्या होगा, जो नॉर्थ इंडिया था वो कंट्रोल्ड था बाय कुशांस, वो कुशान की टेरिटरी में था, तो नॉर्थ इंडिया के थ्रू जो ट्रेड लिंकेजेस होंगे आपके रोमन अम्पायर के साथ वो होंगे थ्रू देवर लैंड बेस्ड ट्रेड, राइट, अक्रॉस द लैंड कॉन्टिनेंटल ट्रेड होता था। साउथ इंडिया में भी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, अभी आफ्टर टू टू थ्री लेक्चर्स, डीप साउथ में भी किंगडम्स का राइज होगा, पंडियाज, चेराज, चोलाज, राइट। नाउ दीज किंगडम्स दे हैड इन टर्न कॉन्टैक्ट विद द रोमन एम्पायर, उनके साथ भी उनका ट्रेड होता था, राइट, तो दोनों जगह से ट्रेड हो रहा है, लैंड बेस्ड ट्रेड फ्रॉम नॉर्थन इंडिया एंड सी बेस्ड ट्रेड फ्रॉम सदर्न इंडिया, और ट्रेड हो रहा है तो इंडिया की जो आइटम थे उनकी बहुत हाई डिमांड में थे इन यूरोप, राइट। तो यूरोप से और रोमन एम्पायर से आपका क्या है गोल्ड क्या है इंडिया की तरफ आ रहा था, राइट, बिकॉज इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग, राइट। सो इनफ्लो ऑफ गोल्ड इन इंडिया, राइट, तो गोल्ड क्या हार्ड करेंसी है, तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था बोथ नॉर्थ इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग। साउथ इंडिया से आपका सी बेस्ड ट्रेड था, नॉर्थ इंडिया से आपका लैंड बेस्ड ट्रेड था, और क्या है इसी के साथ क्या है वी वर एक्सपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी टू द रोमन एम्पायर, और उसी की वजह से रोमन गोल्ड, राइट, बिकॉज गोल्ड क्या थी उस टाइम पे हार्ड करेंसी थी, एक इंटरनेशनल करेंसी थी, वो इनफ्लो कर रहा था इन इंडिया लार्ज अमाउंट में। और प्लिनी जो उनके हिस्टोरियन है वो भी इसके बारे में कंप्लेन करते हैं कि सिंस गोल्ड, हमने देखा कि गोल्ड हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है, तो कुछ भी जो भी एक्सपोर्ट होगा इंडिया से कॉन्स्पिकुअस आइटम्स एक्सपोर्ट होंगे, राइट, जो कि वहां की रोम की रोमन एम्पायर की और यूरोप की इलीट क्लास यूज करेगी, और इस इलीट क्लास जो कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन करेगी इसी की वजह से क्या गोल्ड का इनफ्लो हुआ इंडिया में। तो यहाँ पे इंडिया में उस टाइम पे करंट अकाउंट में सरप्लस आपको देखने को मिलेगा वो भी, और ये करते भी है कि कंप्लेंट भी करते हैं प्लिनी कि पूरा का पूरा जो गोल्ड है वो ड्रेन आउट हो रहा था फ्रॉम द रोमन एम्पायर और इसी वजह से वो एंटर कर रहा था इंडिया में, और ये जो ट्रेड है ये हमें बाद में भी देखने को मिलेगा इन द मुगल एम्पायर एज वेल और गुप्त एम्पायर एज वेल और उससे पहले भी। तो इसलिए कभी कभी सोने की चिड़िया बोला जाता है इंडिया को, राइट, द लैंड ऑफ गोल्ड, इसी वजह से भी ये भी रीजन हो सकता है कि काफी प्रॉस्परस और एक्सपोर्टिंग नेशन था ना। हमने सेकंड रीजन देखा था कि गोल्ड कहां से आ रहा था आपका कुशांस के पास, हमने ये देखा था कि देवर कंट्रोलिंग द सिल्क रूट। सी ए रूट, एक सिंगल रूट नहीं था, मल्टीपल ट्रेड रूट्स वो कनेक्टेड थे और इन टर्न वो कनेक्ट कर रहे थे आपका चाइना को और रोमन एम्पायर को, राइट। सो ये जो सिल्क रूट है, ये जो नेटवर्क ऑफ हाईवेज है, देवर कनेक्टिंग चाइना विद रोमन एम्पायर, और इसी को सिल्क रूट बोलते थे बिकॉज सिल्क बहुत ही हाई डिमांड में था अमंग द इलीट क्लास ऑफ रोमन एम्पायर, राइट। सिल्क बहुत हाई डिमांड में था, उसका क्लॉथ काफी हाई डिमांड में था, और चाइना के लोगों के पास, राइट, द ट्रेड द आर्टिजन्स दे हैड अ knowledge which they protected which was secret how to produce silk, right, so this was exported via silk route to Europe. To silk route kahan tha, china ke sath humne dekha central asia lagta hai, right, fir central asia se jayega
अफगानिस्तान एंटर करेगा, नॉर्थन अफगानिस्तान, बख्तीरी हमने देखा था, फिर फर्दर खुरासन और वो भी देखा था हमने, ईरान लगता है अफगानिस्तान के साथ ईरान में एंटर होगा, फिर मिडल ईस्ट सीरिया वगैरह, और जो सीरियन सीरिया जो था मिडल ईस्ट था वो ईस्टर्न आर्म और ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ रोमन एम्पायर राइट, उसी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड था, और इसके हिसाब से क्या रोमन एम्पायर में क्या यहाँ से सिल्क फ्लो ऐसे करता था और गोल्ड फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में करता था, ट्रेडर्स मर्चेंट्स होते थे वो यूज टू बी इंटरमीडियरीज और ये क्या है ट्रेड कैरी आउट करते थे। तो सी ये जो तीन रीजन है सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान और ईरान, ये किसके कंट्रोल में था, ये कंट्रोल में था कुशांस के। तो जब ट्रेडर्स यहाँ से इन कंस्पिक्यूअस हाई वैल्यू आइटम्स को लेके जाते थे तो यहाँ पे क्या टोल लगेगा राइट, कस्टम्स लगेगा, कस्टम्स ड्यूटी लगेगी, टोल और ट्रांजिट टैक्स लगेगा, और यहाँ से भी क्या है वैल्यू जनरेट होगी, वेल्थ जनरेट होगी राइट। तो यहाँ पे भी आपके रोमन गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे आपको, रोमन गोल्ड कॉइन्स के या कैसे भी करके आपका रोमन गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में वो ट्रांजिट टैक्स दिया जाएगा। प्लस जो ये जो रीजन था सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान और नॉर्थन पोर्शन ऑफ इंडिया, यहाँ से लैंड बेस्ड ट्रेड भी होता था और इसकी वजह से भी रोमन गोल्ड कॉइन्स फ्लो करेंगे। तो इसलिए वास्ट अमाउंट में इसीलिए गोल्ड मिला है और इसी की वजह से हम ये स्टेटमेंट बोल पाए कि दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया ऑन अ वेरी लार्ज स्केल राइट। और ये जो गोल्ड कॉइन्स कुशांस जो गोल्ड कॉइन्स इशू कर रहे हैं वो क्या है, इनको इमिटेट कर रहे हैं रोमन गोल्ड कॉइन्स को राइट। रोमन गोल्ड कॉइन्स को जैसे स्ट्राइक किया गया है वो हम देखेंगे कि क्या फीचर्स होंगी उसकी, सेम फॉर्म में कुशांस भी ऐसे ही गोल्ड कॉइन्स को स्ट्राइक कर रहे हैं राइट, उनको इमिटेशन कर रहे हैं रोमन गोल्ड कॉइन्स की। और ये गोल्ड कॉइन्स आपके मेनली कहाँ मिले हैं, वेस्ट ऑफ इंडस में राइट। ज़्यादातर जो गोल्ड कॉइन्स हैं, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकवर किए हैं, जो कंसंट्रेशन मिली है वो आपके इंडस के वेस्ट में मिली है राइट, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा नहीं मिले हैं। लेकिन टेरिटोरियल एक्सटेंट तो यहाँ पे भी था क्योंकि मथुरा में क्या है सेंटर ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं और हेडलेस स्टैचू मिला है राइट। एक ऐसा स्टैचू मिला है जो हेडलेस है, जिसका हेड नहीं है, मे बी इट गॉट डिस्ट्रॉयड। और ये कनिष्का का स्टैचू है, ये कैसे पता चला कि हेडलेस स्टैचू कनिष्का का है, बिकॉज नीचे इंस्क्राइब्ड में लिखा हुआ है कि दिस इज द स्टैचू ऑफ कनिष्का राइट। नाउ ये जो इंस्क्रिप्शंस है, सी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंस्क्रिप्शंस के थ्रू क्या है किंग एक अथॉरिटी प्रोजेक्ट करता है उन एरियाज में जहाँ ये इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं, उन वहाँ के लोगों के इसके साथ थ्रू इंस्क्रिप्शंस क्या है जो किंग है वो कम्युनिकेट करता है उनकी ही लैंग्वेज में राइट। उनको कमांड देता है, अपनी पॉलिसीज के बारे में बताता है राइट, और उसकी इंस्क्रिप्शंस में उसकी यूलॉजी भी होती है, प्रेज भी होती है खुद की राइट, कितना उसका टेरिटोरियल एम्पायर वो सब रहता है। तो ये सारी इंस्क्रिप्शंस क्या है पूरे आपके नॉर्दर्न इंडिया में पाई गई है, मथुरा में पाई गई है, वाराणसी जो कि ईस्टर्न यूपी में लगता है, श्रावस्ती, कौशंबी और इन सब की हमने लोकेशन देखी थी, कौशंबी आपका नियर बाय अलाहाबाद राइट, उससे पहले यमुना पे आपका कौशंबी लाई करता है, वी स्टडीड अबाउट इट वाइल वी वर स्टडिंग अबाउट महाजनपद राइट। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है, इसको कंडक्ट किसकी पेट्रोनेज के अंडर किया गया था, सी कनिष्क जो थे हमने देखा पूरा पेशावर और पाकिस्तान और कश्मीर वॉज अंडर द रूल ऑफ कनिष्का और बाकी का भी नॉर्थर्न पोर्शन ऑफ इंडिया। तो कश्मीर में क्या है आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया था, यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन हुई थी राइट, इट वाज अ काउंसिल और कॉन्ग्रीगेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसोफर मॉन्क्स राइट, सो दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स और यहाँ पे लिटरेचर राइट, बुद्धिस्ट लिटरेचर लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस हुई थी। यहाँ पे जो महायान बुद्धिज्म है राइट, महायान बुद्धिज्म है उसको कॉन्क्रीटाइज किया गया था, उसके प्रिंसिपल्स क्या है थे, उसके डॉक्ट्रिन्स क्या थे राइट, उस पर वेरियस कमेंट्रीज लिखी गई, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशंस दी गई राइट। सो ऑल दिस कैनन ऑफ महायान बुद्धिज्म वाज कंपाइल्ड इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल राइट। लेकिन जो रूट थे महायान बुद्धिज्म के, हमने पढ़ा था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बाइफर्केशन हुआ था महासंगिका सेक्ट में जो था विच बिकेम अ मेजर सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म राइट। तो महासंगिका सेक्ट ही महा आपका क्या है एक रूट है जहां से महायान बुद्धिज्म राइज हुआ है। सो दिस वाज द गैदरिंग कॉन्ग्रीगेशन ऑफ फिलोसोफर मंक्स बिलोंगिंग टू महासंगिका सेक्ट, हमने महासंगिका सेक्ट को सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में पढ़ा था।
तो ये पूरी डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स, टीचिंग्स कंपाइल की गई महायान बुद्धिज्म की, राइट, एक्सप्लेनेशंस और कमेंट्रीज, फिलोसॉफिकल कमेंट्रीज दी गई और लार्ज नंबर ऑफ पेजेस वर कंपाइल्ड एंड ऑल दीज वर इंस्क्राइब्ड ऑन ए कॉपर प्लेट्स, राइट, कॉपर प्लेट्स में इनको इंस्क्राइब किया गया और इसके ऊपर क्या है, कनिष्क ने एक स्तूपा बनाया था कश्मीर में। अभी भी ये स्तूपा डिस्कवर नहीं हुआ है, राइट, इट माइट हैव गॉट डिस्ट्रॉयड और इट इज स्टिल नॉट डिस्कवर्ड। अगर ये मिल जाता है हमें तो ये कॉपर प्लेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा रिलेटेड टू महायान बुद्धिज्म, राइट। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी और काफ़ी सोर्सेज में लिखा हुआ है कि 72 एडी में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन हमने देखा कि 78 एडी में तो कनिष्का तो थ्रोन पे ही बैठेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है। सी, ये जो डेट्स हैं ये फिक्स्ड नहीं है, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इनके साथ जाना पड़ेगा। सी, 72 एडी मैंशनड है काफ़ी सोर्सेज में और काफ़ी दूसरे सोर्सेज में ये मैंशनड है 200 ईयर्स आफ्टर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 3rd century BC में, तो उसके 200 ईयर्स भी आफ्टर देखते हैं, दैट इज 1st century BC, राइट, तो ये फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात हो गई। तो ये पीरियड कहीं भी फिक्स्ड नहीं, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कब क्या चीज़ कैसे हो रही है, लेकिन जनरल रेफरेंस के लिए 72 एडी काफ़ी सोर्सेज में मैंशन है कि दिस वॉज द पीरियड वैन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज, बट दिस गोज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द राइज ऑफ शाका ईरा, राइट, इन 78 एडी वैन कनिष्का रोज टू द थ्रोन। अब हम पढ़ेंगे शाका ईरा और शाका कैलेंडर के बारे में, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है इन UPSC प्रीलिम्स, राइट, सो विल बी टेकिंग ए लुक इनटू शाका कैलेंडर एज वेल और ब्रीफली हम इसको टॉपिक को ख़त्म करेंगे विद टेकिंग अ ब्रीफ लुक एट इंडो पार्थियंस। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द शाका ईरा, राइट। तो शाका ईरा की स्टार्टिंग कब हुई थी? सी, वी नो दैट कनिष्क कनिष्क एक काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे एज फार एज बुद्धिज्म इज कंसर्न, राइट, उन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया, तो बुद्धिस्ट इन टर्न दे ग्लोरिफाइड कनिष्क, राइट, दे ग्लोरिफाइड कनिष्क और उन्होंने बुद्धिस्ट ने अपनी हिस्ट्री, अपने ट्रेडिशन में, राइट, अपने जो टेक्सुअल सोर्सेज थे उसमें काफ़ी प्रेस किया कनिष्क को, उनको हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट प्लेस दिया और इसी वजह से ये एक आपको एक काइंड ऑफ रेसिप्रोसिटी देखने को मिलेगी, कनिष्क पैट्रोनाइजिंग बुद्धिज्म एंड बुद्धिज्म इन टर्न गिविंग अ प्लेस टू कनिष्का इन इट्स हिस्ट्री, राइट, टेक्सचुअल सोर्सेज में, हिस्टोरिकल सोर्सेज में, ट्रेडिशंस में उनको रिकॉग्नाइज किया गया और इसी वजह से इनको एक ग्रेट रूलर भी माना जाता, राइट। और सिंस कनिष्क ही रोज टू द थ्रोन इन 78 AD, अब यहां पर भी क्या है, डिफरेंसेज हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं बिटवीन डिफरेंट हिस्टोरियंस और वो सभी इस पे एग्री नहीं करते वेदर दिस इज द डेट, बट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो यू शुड बी मार्किंग दिस आंसर बिकॉज 78 AD ज़्यादातर हिस्टोरियंस, ओवरवेलमिंग हिस्टोरियंस के बीच में क्या है, दे हैव एन एग्रीमेंट दैट 78 AD इस ईयर में कनिष्क ही रोज टू द थ्रोन और असेंडेड द थ्रोन, राइट। और इसी वजह से ये जो सिंस ही इज ऑल्सो सपोर्टिंग बुद्धिज्म एज वेल, पेट्रोनाइजिंग बुद्धिज्म एज वेल, तो बुद्धिस्ट हिस्ट्री में उनको इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है और उस टाइम पे बुद्धिस्ट हिस्ट्री इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू इंडियन हिस्ट्री, राइट, बिकॉज उस पे बुद्धिज्म इंडिया में अपनी पीक पे था, राइट। तो यहां पे 78 एडी क्या है और ये जो इवेंट है हिज असेंशन टू थ्रोन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, राइट।
काफी हिस्ट्री में इस इवेंट को काफी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस दी गई है। तो जैसे कि जैसे क्रिश्चियनिटी में विद द ऑनसेट ऑफ क्रिश्चियनिटी राइट, क्रिश्चियनिटी का जब ऑनसेट हुआ तो इससे एक नया ईरा आया राइट, ईरा आया और इसी से आपका क्या है मेजरमेंट स्टार्ट हुई थी। दिस इज द पॉइंट वेयर क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड और यहां से एक नया ईरा आएगा राइट, क्रिश्चियन ईरा आएगा, क्रिश्चियन ईरा आएगा। और ये जो ऑनसेट ऑफ क्रिश्चियनिटी है, ये जो इवेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है स्पेशली वेस्टर्न हिस्ट्री में राइट, जो वेस्टर्न हिस्ट्री है उसमें काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो इस इवेंट के साथ एक ईरा की स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं क्रिश्चियन ईरा। और तो जो वहां पे इंग्लिश कैलेंडर है राइट, यहां से टाइम का मेजरमेंट होता है, यहां से ईयर्स और डिकेड्स वगैरह काउंट होते हैं राइट। फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी आर इन 2022, सो दिस 2022 मींस 2022 ईयर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ क्रिश्चियनिटी, सो दिस स्टार्टेड अ काइंड ऑफ एन ईरा राइट। तो यहां पे कैलेंडर बनेगा जो ईरा के टाइम को मेजरमेंट मेजर करेगा, उसको बोलेंगे ग्रिगेरियन कैलेंडर राइट, ग्रिगेरियन कैलेंडर, जो कि आपका वेस्टर्न कैलेंडर है जो हम यूज करते हैं, जिसमें वेरियस मंथ्स को मार्क किया जाता है, जनवरी फरवरी मार्च, बिकॉज दिस इज हाउ यू आर मेजरिंग टाइम। तो सिमिलरली ये जो इवेंट है कनिष्का राइज टू द थ्रोन, हिज एसेंशन टू द थ्रोन, ये भी काफी सिग्निफिकेंट इवेंट माना जाता है। और यहां से भी आपका एक ईरा स्टार्ट होगा जिसको बोला जाएगा साका ईरा। ना इसको साका ईरा क्यों बोलते हैं राइट, बिकॉज कनिष्क एक कुषाण है, कनिष्क एक कुषाण है राइट, एंड शाकास देवर प्रिसीडिंग द कुषाण्स, तो इसको शाका ईरा ही क्यों बोलते हैं राइट, वाई नॉट कुषाण ईरा। तो इसका रीजन ये है कि जो कुषाण्स थे और जो शाकास थे, देवर इथनिकली द सेम पीपल राइट, देवर इथनिकली द सेम पीपल राइट। ये दोनों ही ट्राइबल्स थे, सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे राइट और हमने ये भी देखा था कि जो बोथ ऑफ दीज देवर ऑफ देवर टर्क्स, ओरिजिनली देवर टर्क्स, देवर ऑफ टुर्किश ओरिजिन राइट, देवर ऑफ तुर्किश ओरिजिन, और ऑलमोस्ट लैंग्वेज भी ये सेम बोलते थे राइट, सम ईरानियन लैंग्वेज, सम काइंड ऑफ ईरानियन लैंग्वेज दे यूज टू स्पीक। और एनसीईआरटी में लिखी हुई है एक जो चीज लिखी है एनसीईआरटी में कि कुषाण्स दे वर द सेम एज सीडियंस, दे वर द सेम एज सीडियंस राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि देवर एग्जैक्टली सेम, सी कुषाण्स देवर यूचीज और टोकैरियंस, हमने देखा था कि वो यूचीज और टोकैरियन ट्राइब को बिलोंग करते थे, वेरा सीडियंस देवर शाकास, सो हाउ कुड दे बी द सेम पीपल। तो किस कंटेक्स्ट में एनसीईआरटी में ये जो बात लिखी गई है कि देवर एग्जैक्टली द सेम, Now we have to come to this to a certain conclusion. They were exactly the same in the sense that they were ethnically the same people. Both of these were Turkish origin, right? Plus they had similar cultures, right? Both of these were tribals and they have similar cultures, similar practices, right? तो कुषाण्स से पहले इंडिया में आए थे शाकास, we know that, right? कुषाण्स से पहले इंडिया में आए थे शाकास राइट। तो इंडियन पीपल राइट ऑलमोस्ट एक सेंचुरी पहले, 100 ईयर्स पहले शाकाज आ गए थे, तो इंडियन पीपल दे वर मोर फैमिलियर विद शाकाज राइट, दे वर मोर फैमिलियर विद शाकाज। और सिंस शाकाज और कुषाण्स इथनिकली सेम है राइट, दिखने में सेम है, ऑलमोस्ट दोनों तुर्किश ओरिजिन के हैं, तो दे इंडियंस दे वर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट
right? Not able to differentiate between the two. राइट और दोनों को ही इंडिया में क्या बोला जाता है. सी वैदिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से कोई भी ऐसे लोग हु आर ट्राइबल्स राइट. और ट्राइबल्स को क्या माना जाता था. ट्राइबल्स दे वर कंसिडर्ड एज बार्बराइज्ड अनकल्चर्ड. हमने पढ़ा था इसके बारे में. दे वर अनसिविलाइज्ड. दिस इज हाउ ट्राइबल्स वर परसीव्ड. और सिंस कुशाज और शाकाज भी ट्राइबल्स थे, सेंट्रल एशियन ट्राइबल्स थे, उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं था, उनकी कोई राइटिंग नहीं थी, राइट. तो कल्चरल इवोल्यूशन में राइट दे वर नॉट सिविलाइज्ड टू एन एक्सटेंट. और जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सभ्यता की. वो उनको सभ्य नहीं माना जाता था, राइट. उनको सिविलाइज्ड नहीं माना जाता था. और हमेशा से ही जो सिविलाइजेशंस हैं उन्होंने ट्राइबल्स को ऐसे ही परसीव किया है और ऐसे ही पोर्ट्रे किया है, राइट. और दिस इज अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ कॉनोटेशन. तो उनको क्या बोला जाता था. मलेचाज, राइट. और मलेचाज एक जनरल टर्म है जो हर किसी के लिए लागू करेंगी. जब हम एक वैदिक पर्सपेक्टिव से, एक हिंदू पर्सपेक्टिव से नॉन कल्चर्ड लोगों को देखेंगे, अनसिविलाइज्ड लोगों को देखेंगे, राइट. वो एक काइंड ऑफ परसेप्शन है. हु आर अनसिविलाइज्ड, हु आर अनकल्चर्ड, राइट. वी आर डिफाइनिंग देम टू बी अनकल्चर्ड. सो दीज पीपल वर कंसिडर्ड एज मलेचाज, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड. प्लस दे वर वेरी एग्रेसिव और वायलेंट एज वेल, राइट. तो जब कुशांस आए, कुशांस जब कनिष्क गद्दी पे बैठे, when he rose to the throne, then since Indians were not able to differentiate between the two, already Shakas को 100 years हो चुके थे इंडिया में, 100 से ज़्यादा years हो चुके थे, तो उनको क्या सिमिलर मान लिया गया और कुशांस को भी Shakas ही माना गया, राइट. उनको भी मलेचाज ही माना गया. तो इसलिए कुशान इरा की जगह इसका नाम होगा शाका इरा, राइट. इट इज एज इफ एक बड़ी नेगेटिव कॉन्नोटेशन, एक प्रेजुडिस के साथ मैं आपको चीज बता दूं कि मोस्ट ऑफ द निग्रोज हु आर कमिंग टू इंडिया, दे माइट बी बिलोंगिंग टू डिफरेंट इथनिक कैटेगरीज, राइट. दे माइट बी बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, बट इंडिया में जो उनको प्रेजुडेटिव टर्म्स है, दे आर ऑल क्लासिफाइड एज निग्रोज, राइट. उनको हब्सीज भी बोला जाता है. वेर एज हब्सी जो है, इट इज ओरिजिनली जो थे the black people who were there in Ethiopia, उनका एक kingdom था ये, और उनका काफ़ी vast kingdom था, तो उनको हब्सीज बोला जाता था, right. तो उन्हीं को same क्या है, हर एक उसको निगरों को same, हर एक black people को जब निगरों बोला जाता है, same categorization किया जाता है, in spite of they belonging to different ethnic categories, different countries, right. तो उनको हम same color में क्या है, उसको paint करने की कोशिश कर रहे हैं. Similarly, जो मंगोलाइड पीपल हैं, वो आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, राइट. उनको भी इन नॉर्थन इंडिया बड़ी पेजोरेटिव टर्म और प्रिजुडिस के साथ उनको बोला जाता है, दे आर चिंकीज, राइट. तो सभी को जब एक ही उसमें आप पोर्ट्रे करोगे, तो एक सिमिलर आप उसको मलेचाज देख सकते हैं. तो इनको शाका इरा बोला गया, इंस्पायर्ड ऑफ द कुशान इरा, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट. तो शाका इरा है, तो इसमें टाइम की मेजरमेंट क्या होगी, राइट. तो शाका इरा है, यहां पे आएगा आपका शाका कैलेंडर. हमने इसे पहले पढ़ा था विक्रम सांवत, राइट. विक्रम सांवत इरा के बारे में पढ़ा था, और दिस इज शाका इरा, राइट. और यहां पे जो स्टार्टिंग होगी इसकी 78 एडी, मतलब 78 एडी जो होगा, राइट, जो क्रिश्चियन में ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से दिस इज 78 एडी, राइट. तो ये क्या होगा, आपका स्टार्टिंग ईयर होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से आपके ईयर्स काउंट होंगे शाका कैलेंडर के हिसाब से. तो अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अभी 2022 है, राइट. तो शाका कैलेंडर के हिसाब से कौन सा ईयर होगा, इसमें से आप माइनस 78 कर दो. सो
1944 ये जो है टुडे ये जो कंटेम्परेरी जो ईयर है दैट इज 1944 एज पर साका कैलेंडर। सेकंड 365 दिन होते हैं इसमें भी ईयर्स में राइट 365 डेज आर देयर इन वन सिंगल ईयर इन साका कैलेंडर। सेकंड चीज हम ये देखते हैं दिस इज बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ द सन राइट पोजीशन ऑफ सन और एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। आप हिस्ट्री आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे सन की पोजीशन क्या है स्काई में और सन की मूवमेंट कैसे हो रही है वो डिफाइन करता है कि उसके हिसाब से 365 डेज आते हैं राइट। तो इसको सोलर कैलेंडर भी बोला जाता है और हमने देखा था कि जो विक्रम सांवत था उसको क्या बोला जाता था लूनर कैलेंडर बिकॉज वो क्या है दैट वाज बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ मून राइट और फेजेस ऑफ मून के हिसाब से उसमें टाइम का कैलकुलेशन होता था राइट। तो 365 डेज और पोजीशन ऑफ द सन मतलब हमें आप ये देखोगे कि जो सन है वो डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे राइट डायरेक्टली उनके ऊपर होता है डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट टाइम्स पे राइट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर्स। तो जब यहाँ पे होगा राइट इक्वेटर पे डायरेक्ट ऊपर होगा इसको बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स राइट और स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं इसको राइट। ये मार्च में आता है तो रफली क्या है रफली यहां पे इस टाइम पे जो स्टार्टिंग होगी ईयर की वो होगी 22 मार्च को राइट। उस टाइम पे इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशंस नहीं थी राइट अभी तो आपके पास टेलीस्कोप है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपका वर्नल इक्विनॉक्स कब होगा राइट और वर्नल इक्विनॉक्स आपका 20 या 21 मार्च को मिलेगा राइट। 2022 में 20 मार्च को था अगले साल 21 मार्च को आपका वर्नल इक्विनॉक्स होगा व्हेन सन विल बी जो सन की रेज है वो डायरेक्टली क्या होंगी आपकी इक्वेटर के ऊपर होंगी और जैसे ही आपकी समर्स आएंगी तो सन इस तरफ मूव करता है राइट। एंड दिस इज मूवमेंट इज एपरेंट मूवमेंट दिस इज नॉट एक्चुअल मूवमेंट बिकॉज इट इज इनफैक्ट द अर्थ विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ठीक है। तो यहां पे स्टार्टिंग कब होगी जब वर्नल इक्विनॉक्स होगा राइट तो 22 मार्च को इसको स्टार्टिंग होगी यहां पे ईयर की स्टार्टिंग होगी 22 मार्च को राइट। और इसके पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि वाई 22 मार्च और हम देखते हैं कि एक्चुअल में 365.24 डेज होते हैं ईयर में दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो जो 0.24 है उसको चार बार ऐड करोगे तो एक नया दिन बन जाएगा तो हर चार साल में लीप ईयर आएगा राइट और उसमें क्या होगा स्टार्टिंग होगी 21 मार्च से इस ईयर की स्टार्टिंग होगी राइट। सो यहां पे आपका स्टार्ट होगा साका कैलेंडर के हिसाब से ईयर की स्टार्टिंग यहां पे होगी। अब ये 20 और 21 मार्च है ये है 21 और 22 मार्च तो डिफरेंस है राइट। तो उस टाइम पे इतने साइंटिफिक प्रिसीजन नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे बट स्टिल दे वर एबल टू आइडेंटिफाई राइट विदाउट एनी पावरफुल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीस्कोप द वर्नल इक्विनॉक्स इट वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सो एज टू से राइट। उस टाइम पे क्या नॉलेज सिस्टम्स रहे होंगे तो ये जो मंथ है राइट जो स्टार्टिंग वाला मंथ है इसको बोलते हैं चैत्र। तो ये भी एक हिंदू कैलेंडर है जस्ट लाइक आपका विक्रम सांवत जो था ईरा था उसमें भी हिंदू कैलेंडर था राइट। दिस इज ऑल्सो अ हिंदू कैलेंडर और 22 इसको क्या है इसको अडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल कैलेंडर राइट इसको अडॉप्ट किया गया एज नेशनल कैलेंडर
ऑन विच ईयर 22 मार्च डेट थी 22 मार्च राइट बाय 22 मार्च वी नो और इसको अडॉप्ट किया था 1957 में राइट दिस बिकेम द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट तो ये सब हमें पता है ऑफिशियल कैलेंडर मतलब गवर्नमेंट क्या है अपने ऑफिशियल यूज में राइट इस कैलेंडर को रेफर करेगी तो गवर्नमेंट कोई भी लॉ राइट बिल लेके आएगी राइट कोई भी लेजिस्लेटिव वर्क करेगी पार्लियामेंट्री वर्क करेगी राइट फॉर एग्जांपल बिल प्रिंट होगा एक तो इंग्लिश में प्रिंट होता है राइट बिल तो उसमें जो ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो होगा जो हिंदी में बिल होगा उसमें क्या है साक का कैलेंडर फॉलो होगा तो अगर कोई भी बिल आया होगा अभी 2022 में तो उसमें क्या 1944 साक का ईयर लिखा गया होगा ऐसी गवर्नमेंट अपना एग्जीक्यूटिव वर्क में भी यूज करती है इसको राइट ब्यूरोक्रेसी जहां जहां इंग्लिश और हिंदी में होता है और साथ साथ आप देखोगे जो गवर्नमेंट जो गैजेटेड जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है जो जहां पे गवर्नमेंट लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती है राइट कोई भी बिल्स या डिफरेंट नोटिफिकेशंस उसको गैजेट बोलते हैं और गैजेट में भी क्या है इसका यूज होगा सेम साका कैलेंडर का राइट तो 1944 अगर करंटली 2022 में कोई नोटिफिकेशन निकल रही है तो दैट इज वहां पे मेंशन होगा 1944 राइट तो दो इंग्लिश में होगा आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर यहां पे ये यूज होगा या फिर आप ऑल इंडिया रेडियो सुनोगे ऑल इंडिया रेडियो पे भी साका कैलेंडर बिकॉज वहां पे जो गवर्नमेंट है कम्युनिकेट करती है लोगों के साथ और वहां पे साका कैलेंडर का भी फॉलो होगा ठीक है सो दिस इज हाउ ऑफिशियली इट इज यूज तो क्या है नेशनल कैलेंडर है ये राइट तो ये एक नेशनल सिंबल है राइट जैसे ही नेशनल सिंबल इसमें आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स आएंगे राइट जैसे नेशनल एम्बलम इज अ नेशनल सिंबल नेशनल फ्लैग नेशनल सिंबल राइट नेशनल कैलेंडर नेशनल सिंबल नेशनल एनिमल नेशनल सिंबल जस्ट लाइक दिस राइट सो दिस इज वन ऑफ द नेशनल सिंबल नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ कुशान एम्पायर राइट इसमें कुछ ज्यादा नहीं है वी विल सी कि कुशांस को डिस्प्लेस किया था कुशांस वर डिस्प्लेस्ड बाय और उनका रूल किसने एंड किया था बाय इंडो-ससैनियंस राइट इंडो-ससैनियंस के बारे में हम अलग से कुछ नहीं पढ़ेंगे राइट उनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं था ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाया तो इंडो-ससैनियंस उनको डिस्प्ले किया था राइट तो अगर हम इफेक्टिवली देखेंगे तो 230 AD के आसपास राइट 230 AD के आसपास दे वर डिस्प्लेस्ड राइट कुशान रूल इफेक्टिवली केम टू एन एंड नॉट ऑलमोस्ट बट इफेक्टिवली क्या है इट केम टू एन एंड इसका मतलब क्या हुआ सी यहां पे इस टाइम के अराउंड जो इनके ऑलमोस्ट लास्ट रूलर थे कुशांस के उनका नाम था वासुदेव वासुदेव किसको बोला जाता है वासुदेव बोला जाता है लॉर्ड कृष्णा को राइट लॉर्ड कृष्णा को सो वी कुड डिड्यूस फ्रॉम हिज नेम तो कि वो क्या थे एक वैष्णवा थे राइट जो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे जो लॉर्ड विष्णु राइट लॉर्ड कृष्णा इज एन इनकार्नेशन और अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु राइट सो ही वॉज अ वैष्णव तो हमने कुशांस में एक को रूलर को देखा कनिष्क ही वॉज अ बुद्धिस्ट और वासुदेव राइट नेम ही सिग्निफाई करता है दैट ही वॉज अ वैष्णव राइट तो डिफरेंट किंग्स ने कुशांस जो थे डिफरेंट किंग्स ने डिफरेंट रिलीजन्स को पैटर्नाइज किया राइट नॉट ओनली बुद्धिज्म बट हिंदुइज्म को भी पैटर्नाइज किया गया ठीक है सो दिस किंग वॉज डिफीटेड बाय शपूरवन जो शपूरवन जो इसके राजा थे राइट शपूरवन जो राजा थे आपके इंडो-ससैनियंस यहां पे हम देखेंगे कि इस टाइम पे ईरान में
आपका ससैनिड अंपायर का राइज होगा, ससैनिड अंपायर का राइज होगा। तो उसके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे शपूर वन, उन्होंने डिफीट कर दिया, और इसके बाद क्या है, ससैनिड अंपायर की जो एक्सटेंशन थी, जो ब्रांच थी, इंडो ससैनियंस, दे विल बी रूलिंग इंडिया फॉर सम टाइम, राइट, काफी कम टाइम के लिए रूल करेंगे, सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। लेकिन हम देखेंगे कि स्टिल फोर्थ सेंचुरी एडी तक, राइट, फोर्थ सेंचुरी ऑलमोस्ट, इसके भी ऑलमोस्ट 50 और 100 ईयर्स के बाद भी कुशांस का कुछ लोकेशंस में रूल रहेगा, राइट, सो देयर रूल विल, दे अफेक्टिवली एंड हो गया था, बट स्टिल देयर रूल विल कंटिन्यू टू फ्लिकर, राइट। जैसे बल्ब फ्यूज होने से पहले फ्लिकर करता है, राइट, उसका टर्मिनेशन होने से पहले और एंड होने से पहले फ्लिकर करता है, और कोई भी चीज, किसी भी चीज का एंड होने से पहले वो उसके क्या है, तड़पती है एक, राइट, तो एक फ्लिकरिंग होती है। तो फ्लिकर करता रहा, कुछ कुछ लोकेशंस में इनका रूल रहेगा, राइट, कुछ लोकेशंस में इनका रूल रहेगा। तो इतना बड़ा जो अंपायर था आपका कुशांस का, सेंट्रल एशिया से लेके 9 कंट्रीज हमने देखी, तो कुछ कुछ जो लोकेशंस है, राइट, कुछ कुछ लोकेशंस में इनका जो लोकल इलीट्स थे, लोकल जो किंग्स थे, दे विल स्टिल बी रूलिंग। तो जो रेमिनेंट्स थे इनके, या फिर फ्यूडल लेफ्ट ओवर्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट, पर इसको आप कुशान अंपायर नहीं दे सकते, बिकॉज दीज वर नॉट इंटरकनेक्टेड एंड दे डिड नॉट फॉर्म वन सिंगल अंपायर, राइट, दे वर फ्यूडल लेफ्ट ओवर्स, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट स्टिल अगर आप लोकेशंस को देखते हैं, ये लोकेशंस और ये जो कहाँ कहाँ पे इनकी आपको किन टेरिटरीज में इनकी प्रिंसिपैलिटीज आपको मिलती है, राइट, किन टेरिटरीज में इनके फ्यूडल लेफ्ट ओवर और प्रिंसिपैलिटीज मिलती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले काबुल वैली में, राइट, काबुल वैली ईस्टर्न अफगानिस्तान, वहां पे आपको क्या है, कुशान रूल देखने को मिलेगा। साथ साथ काबुल से आप नॉर्थ ईस्ट चलोगे, राइट, इससे 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट चलोगे तो यहां पे एक जगह है कपीसा, और कपीसा आपने सुना भी होगा, पिछले साल यहां के लोगों ने, राइट, अलोंग विद पंजशीर वैली, राइट, काबुल से आप थोड़ा सा आप नॉर्थ चलोगे तो माउंटेनियस रीजन स्टार्ट होता है, राइट, पंजशीर उसके, और उस माउंटेन के बीच में पंजशीर वैली आती है, वहां पे पंजशीर रिवर है, वहां पे भी रेजिस्टेंस फ्रंट है जिन्होंने रेजिस्ट किया तालिबान के जो कैप्चरिंग से पहले, तो कपीसा में भी ये फाइट हुई थी, राइट, तालिबान को रेजिस्ट किया गया था पिछले साल, और आप पढ़ेंगे उसमें जो लायन ऑफ पंजशीर है उन्होंने क्या है, इससे पहले भी तालिबान को रेजिस्ट किया था, और जो पिछला जो टेन्योर था तालिबान का उसमें इनफैक्ट इंडिया यूज टू सपोर्ट दिस रेजिस्टेंस फ्रंट, राइट, अब उनके बेटे हैं वो अभी करंटली इसको मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और स्टिल रेजिस्टिंग तालिबान, राइट, लेकिन उनका अभी इतना इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं है, देयर मूवमेंट हैज ऑलमोस्ट डाइड, राइट, तालिबान हैज इंश्योर्ड ऑलमोस्ट अ कंप्लीट टेक ओवर। उससे पहले क्या था, पिछला जो टेन्योर था तालिबान का उस टाइम पे एक ऑटोनोमस रीजन था, राइट, विच तालिबान वॉज नॉट एबल टू ऑक्यूपाई और एनेक्स, राइट, अपनी इन्फ्लुएंस में नहीं लेके आ पाए, और उसमें जो आपके जो लायन ऑफ पंजशीर थे, राइट, आप देखिएगा पढ़िए उनके बारे में, तो कपीसा यहां पे उनका रोल था अफगानिस्तान में ही। ऐसे ही हमने देखा था खोरेज्म, राइट, साउथ ऑफ एरएलसी जो रीजन था, राइट, जो लोअर बेसिन है आपका रिवर अक्सेस और अमू दरिया का, जो डिवाइड करता है इस एरिया को, बाइफर्केट करता है ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स में, राइट, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का कुछ पोर्शन आता है, खोरेज्म का कुछ एरिया भी दे विल स्टिल बी रूलिंग। और यहाँ पे क्या है, कुशान, एक बड़ा महल मिला है कुशान का, कुशान पैलेस मिला है, और यहाँ पे काफ़ी बड़े आर्काइव्स मिले हैं, राइट, कुशान आर्काइव्स मिले हैं इस एरिया में, और फ्रॉम दिस इज अ ट्रेजर एज फार एज, राइट, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस आर कंसर्न, बिकॉज यहाँ से आप कल्चर और वेरियस इकोनॉमी पॉलिटिक्स सोशल डिफरेंट चीज़ें आप ट्रेस कर सकते हो, स्पेशली इन दिस खोरेज्म रीजन, राइट। तो ये जो आर्काइव्स मिले हैं, ये जो बुक्स मिली है, नोट्स मिले हैं, दे आर इन खोरेज्मियन लैंग्वेज,
राइट, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है खोराइजमियन जो बोली जाती थी और लिखी गई है, ये आपका जो स्क्रिप्ट यूज हुई है दैट इज एरामाइक और ग्रीक स्क्रिप्ट आपका यूज हुआ है, राइट। ऐसे ही सोगडियाना, सोगडियाना जो रीजन था, राइट, आप इसको अगर हम एक जो छोटा सा रीजन है ये यहाँ पे लाई करेगा, ये इट वाज अ पार्ट ऑफ ट्रांस ऑक्सियाना, वी स्टडीड अबाउट इट, राइट, उज़्बेकिस्तान में लाई करेगा और बुखारा और समरखंड जैसी जो जगह है, राइट, ये इसमें ही आएंगी। तो यहाँ पे भी आपको कुछ रूल देखने को मिलेगा और बक्टीरिया में भी के भी कुछ स्मॉल स्मॉल लोकेलिटीज में प्रिंसिपैलिटीज आपको देखने को मिलेंगे, राइट, बट देयर रूल इफेक्टिवली ऑलमोस्ट वाज ओवर, ठीक। सी नाउ हमने एक और इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में पढ़ेंगे, राइट, कल्चरल ग्रुप और इथनिक ग्रुप यू कुड से विच वॉज फ्रॉम ईरान, राइट, पार्थिया जगह थी, वहाँ से पार्थियंस आए और दे ऑल्सो इन्वेडेड इन टू इंडिया, राइट। तो पार्थियंस के बारे में हम एक बार देख लेते हैं, राइट, बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे, राइट, माइंड मैप के फॉर्म में देख लेते हैं और प्लस इट इज नोट दैट एलोबरेट और डिटेल्ड और ईजी है काफ़ी, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रेस कर लेते हैं, सी सबसे पहले हमने देखा कि ग्रीक्स आए थे, राइट, और ग्रीक्स के बाद आएंगे आपका शाकाज, हमने देखा था, राइट। तो जब शाकाज आए थे उसके साथ साथ ही उनके पैरेलल में भी क्या है, कुछ जो जगह है वहां पे पार्थियंस का रोल भी सेटअप हुआ, राइट, ठीक है। बट सिंस शाकाज और द मोर पावरफुल, तो जो यहाँ से जो पार्थियंस हैं वो ज़्यादा क्या है अपनी टेरिटरी कार्व आउट नहीं कर पाएंगे और उनका जो रूल होगा वो क्या होगा, आपका रूल जो होगा वो काफ़ी लिमिटेड टेरिटरीज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पैरेलल रूल रहेगा और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पैरेलल रूल था तो सीदियंस है उनको शाकाज बोलते थे, वी नो दैट, और जो पार्थियंस है, राइट, उनको इंडिया में क्या बोला जाता था, उनको इंडिया में बोला जाता था पहलवाज, राइट। तो काफी हिस्टोरिकल सोर्सेज, स्पेशली आप इंडियन हिस्ट्री की जब बात करेंगे तो इन दोनों को साथ में मेंशन किया जाता है एज शाकाज पहलवाज, राइट, क्योंकि काफी जगह उनका क्या पैरेलल रूल देखने को मिला इंडिया में, तो उनको शाकाज पहलवाज बोला जाता है, राइट। और इसके बाद हमने देखा था दे विल बी डिस्प्लेस्ड बाय बोथ शाकाज एल्वज पार्थियंस और द पहलवास, दे विल बी डिस्प्लेस्ड बाय कुशांस, राइट, और कुशांस को इंटर्न हमने देखा था अभी इंडो ससैनियंस ने डिस्प्लेस किया, राइट, शपूर वन ने डिफीट किया आपका वासुदेव को, ठीक। तो ये एक क्रोनोलॉजी है ऑफ सीरीज ऑफ इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया मोस्टली, राइट, बिकॉज मेन यहाँ पे जो सर्वाइव करेंगे दे विल बी शाकाज और कुशांस, ठीक। सेकंड पॉइंट, सी जो पार्थियंस थे एक जगह थी पार्थिया, राइट, मैं काफी बार पिछले लेक्चर्स में बोला पार्थियंस के बारे में, पार्थिया, तो पार्थिया क्या था, सी हमने पढ़ा था सेलूसिड एम्पायर के बारे में, राइट, सेलूसिड एम्पायर की वेरियस प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, राइट, उनको सत्रपीज भी बोला जाता है ये जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है।
तो उसमें से एक प्रोविंस हमने देखा था ऑलमोस्ट बक्तीरिया था, राइट। और दूसरा जो प्रोविंस था और दूसरी सत्रपी थी वो थी आपकी पार्थिया, राइट। सेकेंड सत्रपी वाज पार्थिया, एक बक्तीरिया। तो जब सेंट्रल रूल यहां पे, राइट, यहां पे जो किंग था जो कि रूल कर रहे थे सिलूसिया से, राइट, इनकी कैपिटल थी सिलूसिया सीरिया में, वहां से जब किंग रूल कर रहा था और यहां पे आपकी नोबिलिटी और एरिस्टोक्रेसी जो होगी, राइट, किंग्स के जो ऑलमोस्ट किंग्स होंगे दे विल रूलिंग दीज प्रोविंसेस, राइट, और उनके गवर्नर्स रूल करेंगे। तो जैसे ही सेंटर आपका वीक होगा दीज गवर्नर्स और दीज एरिस्टोक्रेसी वो क्या है अपना ऑटोनोमस बनना स्टार्ट कर देंगे, अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही सेलुसिड एम्पायर वीक हुआ था हमने देखा था बक्तीरिया इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस हो गया था, और ये जो बक्तीरिया में जो ग्रीक्स थे दे इन्वेडेड इंटू इंडिया, राइट। ऐसे ही पार्थिया भी अपने आप को लिबरेट कर लिया था फ्रॉम द योक, राइट, फ्रॉम द बॉन्डेज और फ्रॉम द क्लचेज ऑफ सेलुसिड एम्पायर, और वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे, जो गवर्नर्स प्लेस थे और द नोबिलिटी जो थी वहाँ की, राइट, वहाँ की जो एलीट क्लास थी, एरिस्टोक्रेसी थी, उन्होंने अपने आप को लिबरेट कर लिया और अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने लगे। तो पार्थियंस दे बिकम एन ऑटोनोमस एम्पायर इन देमसेल्व्स, और उन्होंने क्या है शाकास के साथ साथ पार्थियंस जो थे यहाँ के लोकल रूलर्स थे दे विल बी इन्वेडिंग इन टू इंडिया। सो दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पार्थियंस, राइट। पार्थिया ये क्या ईरान रीजन में लाई करेगा, ठीक है। सेलुसिड एम्पायर सीरिया में भी था, इराक में भी था, ईरान में भी था, और फैलते फैलते अफगानिस्तान में भी गया हुआ था, राइट। थर्ड पॉइंट, सी यहां पे इनका रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, पार्थियंस का इनका रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे गोंडोफर्नेस, राइट, गोंडोफर्नेस। और इनको इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि ये एक कहा जाता है हिस्ट्री में कि इनके टाइम के दौरान ही जो सेंट थॉमस थे, वो इंडिया में आए थे और उन्होंने क्या है क्रिश्चियनिटी को यहां पे प्रोपगेट किया था, प्रमोट किया था, राइट। तो सेंट थॉमस कौन थे, सी जब क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन हुआ था तो उनके 12 डिसाइपल्स थे, इन 12 डिसाइपल्स को बोला जाता है 12 अपोसल्स, राइट। एंड दीज वर बिफोर हिज क्रूसिफिकेशन, बिफोर हिज डेथ जीसस इंस्ट्रक्टेड दैम टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस और टेक इट एज अ मिशन, राइट, टेक इट एट देयर एज अ मिशन, और इसलिए इनको क्रिश्चियन मिशनरीज ही बोला जाता है, टू स्प्रेड द टीचिंग्स और डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स दैट जीसस प्रोपाउंडेड, राइट, जीसस वॉन्टेड पीपल टू इनकल्केट अक्रॉस द डिफरेंट टेरिटरीज ऑफ वास्ट ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड ही वॉन्टेड देम टू स्प्रेड। उनके 12 अपोस्टल 12 डिसाइपल्स दे वर सेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इसी हिसाब से क्या है सेंट थॉमस वॉज वन ऑफ द डिसाइपल्स, राइट, और ही केम टू इंडिया, ठीक है। अब दूसरी डिबेट ये है कि कब आया था, राइट, फर्स्ट सेंचुरी एडी में ही केम टू इंडिया। राइट, और जनरली यह बोला जाता है कि इट वॉज इन ईयर 52 एडी डैट ही लैंडेड इन इंडिया, राइट। सॉरी, सेकंड डिबेट यह है कि वो लैंड से आए थे, राइट, बिकॉज ओरिजिनली ये सब सीरिया में स्टार्ट होगा, राइट, सीरियन चर्च भी होगा वहां से ही फैलेगा। और अगर सीरिया से आएंगे तो वो अक्रॉस इराक और ईरान और अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए ही शुड बी कमिंग बाय लैंड, राइट। तो यहाँ पे जो गोंडोफर्नेस थे ही वॉज ऑल्सो रूलिंग, राइट, इन नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया, राइट। तो इनका जो रूल होगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, राइट, टू द वेस्ट ऑफ इंडस, राइट, मॉडर्न पाकिस्तान रीजन में गांधारा के आसपास इनका रूल रहेगा। और इसलिए इनको इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इनके दौरान क्या है
सेंट थॉमस आए थे। लेकिन डिबेट सारी यही है, दो डिबेट्स हैं, एक तो क्या वो लैंड से आए थे या फिर सी से आए थे, राइट। तो एक तो कुछ थ्योरी ये भी बोलते हैं कि लैंड से भी आए थे यहाँ से, और गोंडोफर्निस के रिजिम के दौरान आए थे, और गोंडोफर्निस वॉज देयर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सो दैट इज वाई ही बिकेम एन इंपॉर्टेंट किंग, राइट। लेकिन इस थ्योरी को ज़्यादा माना नहीं जाता, राइट। ये माना जाता है कि वो सी के थ्रू आए थे, राइट। ही लैंडेड इन अ पोर्ट इन केरला, मुजीरिस पोर्ट इन केरला इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी इन 52 एडी ही लैंडेड हेयर, राइट। सी, और ये हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज हमने देखा, हम देखेंगे कि जो सदर्न रीजन थे, राइट, चोलास, चेरास और पांड्यास थे, फर्स्ट सेंचुरी एडी में क्या है उनका लिंकेज था रोमन अम्पायर के साथ, राइट। और रोमन अम्पायर की जो ईस्टर्न टेरिटरी थी और वो पूरा का पूरा जो मेडिटेरेनियन के आसपास जो टेरिटरी थी, राइट, तो वहाँ से वो सीरिया के थ्रू गल्फ के होते हुए कोस्ट लाइन को फॉलो करते करते वो आते थे सदर्न पार्ट में। सो इट इज़ पॉसिबल कि ट्रेडर्स भी जाते थे या मर्चेंट्स भी जाते थे, सो अलॉन्ग विद दैम सेंट थॉमस इन वन ऑफ द ships might have come to India and landed in Mujeres port, right? So this is another theory. Now there is a debate whether he came to India or not, or क्योंकि उस टाइम पे चर्च भी बाद में सेटअप किया था, और ये भी थ्योरी है कि he was murdered by the conservatives, right? By the conservatives in India when he started promoting, propagating or preaching the Christian values or Christian ethos or Christian religion, right? लेकिन यहाँ पे भी डिबेट है कि वो नहीं आए थे और इट इज जस्ट mythological और इट इज जस्ट मिथ दैट इज बीइंग propagated by some sections to land legitimacy to this kind of theory. लेकिन अगर आएगा question, then you should go with this, right? सी से आए थे, और कुछ जो सीरियन क्रिश्चियंस है, जो सीरियन चर्च है, वो भी इस थ्योरी में बिलीव नहीं रखते, राइट, और काफ़ी लोग बिलीव भी रखते हैं, राइट। बट हिस्ट्री में एस्टेब्लिश है कि इफ़ यू हैव टू राइट और फॉलो कि यस दे ये आए थे बाई सी और 52 एडी में आए थे और मुजीरिस पोर्ट में लैंड किए थे, केरला में लैंड करे थे। He was one of the 12 disciples, or that is the Gondofernis is an important ruler, or is an important Parthian ruler, right? Similarly, यहाँ पे भी वो क्या है? Just like Kushans, right? वो assimilate हो गए थे, absorb हो गए थे Indian society में, right? Indian cultures, Indian religion, Indian language को उन्होंने follow किया, किसी ने different religions को follow किया, किसी ने Buddhism को adopt किया, किसी ने Hinduism को adopt किया, right? So different rulers और डिफरेंट पीपल, दी सेंट्रल एशियन पीपल, दे अडोप्टेड डिफरेंट रिलीजन्स, बट दे गॉट इंडियनाइज्ड, राइट, दे वर असिमिलेटेड, और इसी हिसाब से आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द ब्रिटिश, राइट। दे गॉट असिमिलेटेड, दे गॉट इंडियनाइज्ड, दे बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट। और इनको रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए भी उनको क्या है, क्षत्रिया का टैग दिया गया बाय ब्राह्मिन्स, राइट। और इनकी एक फिक्शनल लीनियज क्रिएट की गई थी आपकी कुशांस की, शाकास की एक फिक्शनल लीनियज, राइट, दैट दे आर उनको ओरिजिन ट्रेस किया गया और उनको रिकॉग्नाइज किया गया क्षत्रियाज, राइट। लेकिन इनको ज़्यादातर बोला जाता था डीजनरेट क्षत्रियाज। Why degenerate Kshatriyas? Degenerate Kshatriyas in the sense की they are originally Kshatriyas, लेकिन अपने path से deviate हो गए, जो क्षत्रिय practice थी, जो code था, जो honor था, उन्होंने follow नहीं किया, और जो current times पे they became Malechas, right? They become Malechas because उन्होंने give up कर दिया, right? So they got assimilated or absorbed into the Indian society, they become an integral part of Indian society, or they become almost indistinguishable from the Indian society, and that is how they are different from the Britishers. Because British, unhone apne aur Indians ko separate
दिखाने की कोशिश की, राइट, एक रेसिज्म था, उन अपने आप को सुपीरियर मानते थे इंडियन कल्चर को, देवर एलियन टू इंडियंस, राइट, उनका डिफरेंट कल्चर्स था और दे कंसिडर देमसेल्फ टू बी सुपीरियर. सो दैट इज वाई एक डिस्टिंक्शन रहेगा, डिस्टिंग्विश करेंगे अपने आप को इंडियन से, और दे कुड नॉट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज हाउ दीज सेंट्रल एशियन रूलर्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट. सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी टेकिंग अ लुक इन टू द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सेंट्रल एशियन पीपल, राइट. विल बी लुकिंग इन टू ऑल दिस थियरीज ऑफ असिमिलेशन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस पीपल, राइट.